वेलकम एवरी वन द जोश वेल जोश तो हाई होना भी चाहिए आज अनएकेडमी ने एक बहुत ही असंभव काम को संभव कर दिया है इंडिया की बेस्ट यूपीएससी फैकल्टीज आप लोगों के सामने एक ही छत के नीचे मौजूद है जो आपसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे अनएकेडमी की शुरुआत 2010 में एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से हुई थी और आज न केवल आई की प्रिपरेशन के लिए बल्कि अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अनकेडमी लर्नर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सब कुछ कवर कर सकते हैं शुरुआत से ही अनएकेडमी का यही विजन रहा था कि कैसे लर्नर को घर की सुविधा से ऑनलाइन प्रिपरेशन कराया जा सकता है और किस तरह से एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी चीजें डिलीवर की जा सकती हैं लेकिन हमारे लर्नर्स की हमेशा यह डिमांड रही थी कि 2019 में तो अन अकेडमी ने यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन के साथ में एक बेस्ट ऑफरिंग एक बेस्ट लाइनअप के साथ अपनी शुरुआत की आज चार साल के अंदर 400 से भी ज्यादा अधिक बच्चे अन अकेडमी पर पढ़ के सिलेक्ट हो चुके आई के एग्जाम के लिए और हजारों लाखों बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं एक असंभव काम संभव हो चुका है हमारे लर्नर्स की यह रिक्वेस्ट थी इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के साथ में हम ऑनलाइन तो जुड़ पा रहे हैं लेकिन यह चीज कब होगी कि हम उनसे ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ पाएंगे हम अपनी फैकल्टीज से लाइव डिस्कशन कर पाएंगे हम अपनी फैकल्टीज के साथ में इंटरेक्शन कर पाएंगे उनसे अपनी डाउट्स को पूछ पाएंगे अनकेडमी लेके आ रहा है दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में अपना पहला आई एस यूपीएससी ऑफलाइन सेंटर फॉर आई लाइटिंग ऑल ऑफ अस, आई आई माई सेल्फ इज फीलिंग वेरी अप। नाउ आई विड लाइक टू इन्वाइट ऑल आर एस्टीम्ड एजुकेटर्स टू द स्टेज फॉर द फेसिलेशन एंड लैंप लाइटिंग सेरेमनी प्लीज आप सभी की जोरदार से तो मैं अब स्टेज पे इनवाइट करूंगा अंकुश द हेड फॉर यूपीएससी ऑफलाइन और आतिश माथुर सर को डायरेक्टर एकेडमिक्स ऑफलाइन टू फैसिलेट ऑल आर एजुकेटर्स <laughs> तो गाइस एम पुरी सर 20 इयर्स से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस सोशल इश्यूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप सभी सर को ऑलरेडी जानते होंगे मधुकर कोटावे सर हिंदी मीडियम के सबसे नबे वन से जोरदार तालियों के साथ सुदर्शन गुजर सर द लेजेंड हिमसेल्फ मैं चाहूंगा आप सभी नाम लीजिए द लेजेंड हिमसेल्फ अरविंद सिंह राजपुरोहित सर अतुल गग सर एथिक्स की टॉप फैकल्टीज में से एक हिमांशु शर्मा सर टेन प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ज्योग्राफी ऑप्शनल जीएस और सर का 500 प्लस प्रोग्राम काफी पॉपुलर है विवेक सिंह सर प्लस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, इंडियन इकोनॉमी, फैकल्टी ऋषि भार्गव सर यू आर लेजेंड्री फैकल्टी फॉर सी साइड आतिश माथुर सर और हमारे सबसे प्यारे अनु सर मैं उनको भी फैसिलेट करने के लिए आमंत्रित करूंगा प्लीज सर रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टेक यूर सीट सर यू विद आर सेमिनार गाईश मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सेमिनार हॉल की कैपेसिटी लगभग हजार बच्चों की है ये अभी तक का बिगेस्ट सेमिनार जैसा कि हम बोलते हुए भी आ रहे थे वाकई में लग रहा है अभी भी काफी सारे लर्नर्स इसको ज्वाइन करते चल रहे ये बाद में हम लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे भी करेंगे आज जैसा कि मैंने आपको बताया था सभी लेजेंडरी फैकल्टीज हमारे साथ इस सेमिनार में हैं सबसे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में जैसा कि कहा जाता है जर्नी ऑफ अ थाउजेंड माइल्स बिगन सिंगल स्टेप लेकिन वो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए सही रख देते हैं तो आपकी कठिन जर्नी आसान हो जाती है इस कठिन जर्नी को आसान कैसे बनाया जाए इस परीक्षा से और भी ज्यादा रूबरू होने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मुराल पटेल सर को आप स्टेज पे आए और हमारे लर्नर्स को एनलाइटन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग पिछले तीन महीने से तैयारी कर रहे हैं मतलब उससे ज्यादा नहीं सिर्फ तीन महीने बहुत कम अच्छा कितने लोग एटलीस्ट सिक्स मंथ से तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे लोग एक साल या उससे ज़्यादा तैयारी करने वाले काफ़ी सारे लोग तो आपको सब बेसिक चीज़ें पता ही होंगी बाकी ब्रोशर में आपको दिया है फेब्रुआरी में नोटिफिकेशन आता है फिर फिल्म्स होती है फिलिम्स के अंदर जीएस का पेपर एप्टीट्यूड पेपर और ये सब सो यू आर वेल अवेयर फिर बाकी सब सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ तक सेमिनार की बात है तो ऐसे मैं कई सेमिनार कर चुका हूँ पिछले कई सालों में दो टाइप के स्पीकर होते हैं एक ऐसे स्पीकर होते हैं जो बस मोटिवेशन ही बात करें कि आप सब लोग आए हैं और आप सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे जो कि कभी हो नहीं सकता क्योंकि टू थाउजेंड नाइनटीन का ऑफिशियल डेटा है ग्यारह लाख लोगों ने अर्जी डाली थी पर ये सब बाबू सोना जनता है क्योंकि इसमें से करीब पाँच छः लाख लोग ही असल में एग्जाम देने के लिए गए बाकी सब नॉन सीरियस थे उसमें से करीब ग्यारह हजार ने प्रीलिम्स क्लियर की उसमें से फाइनल 900 लोग हुए थे 2019 तो इतनी जगह पर आप ये कर रहे हैं अब यहाँ पर भी आप देखें कि जो लोग 2019 में पाँच लाख लोगों ने जो प्रीलिम एग्जाम दिया उसके अंदर 55 परसेंट लोग ऐसे थे जो फर्स्ट अटैम्प वाले थे एक बात उसके बाद जो यहाँ पर ग्यारह हजार लोगों ने प्रीलिम एग्जाम क्लियर करके मेन्स एग्जाम दिया उनमें से सिर्फ सेवन लोग थे फर्स्ट अटैम्प वाले यानी फर्स्ट अटैम्प्ट के जो लोग हैं प्रपोर्शनली प्रीलिम्स क्लियर करने की उनकी चीज कम रहती है ऑन दी अदर एंड थर्ड अटैम्प वाले आप देखो तो जो पाँच छह लाख लोगों ने प्रीलिम्स दिया उसके अंदर थर्ड अटैम्प वाले करीब टेन परसेंट ही थे लेकिन प्रीलिम पास करके मेंस जो लिख रहे हैं ग्यारह हजार उसके अंदर वो हैं एटीन परसेंट यानी कि ये जो एग्जाम ऐसी है कि उसके अंदर ये सेकंड थर्ड अटैम्प वाले उनकी एडवांटेज इस हिसाब से कि जो आजकल प्रश्न आ रहे हैं खासकर ओनली वन पेयर करेक्ट टू पेयर करेक्ट तो वो पेरीफरल नॉलेज से उसको एलिमिनेट करने में उनको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा होती तो डू नॉट टेक द थिंग्स कैजुअली कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है आपको बहुत मेहनत करनी अब यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी भी अलग अलग जगह आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है अगले 18 महीने के अंदर करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां होंगी तो हाँ ये हो सकता है आप में से सब लोग आई एस आई पी एस ना बन सके लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी जॉब्स है तो आप कहीं तो सिलेक्ट हो ही सकते हैं उसका एक कारण ये ये शनि रवि की छुट्टी में आप करने को और भी कुछ कर सकते थे पठान मूवी देख ले। लेकिन आपने अपना समय निकाल के आप इधर आए yeah. थिएटर जैसा माहौल इधर भी है सो यू आर सीरियस इन एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपको सफलता मिले ऐसी हमारी शुभकामनाएं अन एनअकेडमी में सो दैट इज वन थिंग कि मोटिवेशन बराबर है बट बी अवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑन दी अदर हैंड ऐसे सेमिनार में दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत ज्यादा स्केयर मॉन्गरिंग करते हैं मतलब मैंने जो बताया वही डेटा को आपस दिखा के कि तुमको इतने बुक्स पढ़ने हैं और इतना ये करना है वगैरह जस्ट टू मेक यू अफ्रेड आपको डर लगे कि यार मेरे से इतने दस बारह बुक तो हो नहीं सकते एक एक सब्जेक्ट के तो मैं क्यों ना इन टीचर का कोर्स ज्वाइन कर लूँ ये फियर मॉन्गरिंग है गुजरात के अंदर जितने सेमिनार होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर ये और उनकी दुकानें बंद हुई उसका मेन कारण यही था वो डराते थे तो डरना नहीं है कोई डरा है तो डरना नहीं है ये जो बहन दिख रही है आपको लगता है ये यूपीएससी टॉपर बने जवाब है हाँ बड़ी सिटी से है टॉप कॉलेज से फुल कोचिंग रॉयल एंट्री पर्सनालिटी तो हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि ऐसे लोग ही आई बनते हैं मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाँ ये बनते हैं लेकिन ये भाई भी बन सकते छोटे शहर से छोटे गांव से कोचिंग भी अफोर्ड ना कर सके यहाँ वहाँ यूट्यूब वगैरह प्री क्लासेस देख के पढ़ाई की है आपको लगे नहीं नहीं ये तो रॉयल एंट्री पर्सनालिटी नहीं इसका कैसे हो सकता वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे आपने सिर्फ चार पांच लोगों को देखा और आपके दिमाग में एक फ्रेम बनाए कि आई ऐसा होता है जबकि मैं आपको दिखाऊँ ये सब लोग जो मेरे साथ खड़े मैं येलो शर्ट में हूँ ये सब के सब आई ऑफिसर हैं नहीं तो फिर द थिंग इज आप जो दिमाग में YouTube का एल्गोरिदम आप जानते हैं अगर दस हजार लोगों ने एक वीडियो देखा तो बाकी दस लाख लोगों को भी वो वही दिखाएगा तो दिमाग में से ऐसी जो हीन भावना है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो आप निकाल दीजिए कि ये कॉलेज और ये मीडियम और इसका ही हो सकता है मेरा नहीं हो सकता है आप तैयारी करने लेकिन अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा कहीं पर भी एक वन परसेंट भी है तो वो आपको परेशान करता रहेगा सो तो प्लीज़ थ्रो इट आउट हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बन सकता है जहाँ तक पर्सनालिटी की बात है वो ऐसी है कि पर्सनालिटी तब आती है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो नॉलेज हो पावर हो पैसा हो तो वो जो भी आपको लगता है कि बहुत ज़ोरदार चीज़ हो रही है वो इसलिए क्योंकि वो सिलेक्ट हो गए बाकी जब वो स्टूडेंट थे तो वो भी आपके जैसे ही थे मैं अभी बाहर आ रहा था तो ये वीडियोग्राफर ने कहा आपका रॉयल एंटी का वीडियो बनाते मैंने उसको मना किया कुछ लोग साक्षी भी हैं ये सब की ज़रूरत नहीं जहाँ तक बात है स्ट्रेटी की अभी कुछ दिन पहले मैंने पाँच सौ वही बार स्ट्रेटेजी बताई थी ज़्यादातर लोगों ने देख भी ली होगी तो मैं उसमें जा नहीं रहा दूसरी बात ये एक दो घंटे के अंदर सब बातें हो नहीं सकती हर एक सब्जेक्ट उसका हर एक एम इट इज़ अ ब्यूटी इन इट तो उसकी सब आपको जोरदार समझ देने के लिए अन एकेडमी का ये ऑफलाइन सेंटर वहाँ पर हमारे बड़े बड़े टीचर्स पॉलिटी सब्जेक्ट एम एमपुरी साहब इकोनॉमी विवेक सिंह साहब ईमांशु सर हैं जोग्राफी के लिए सी सैट के लिए ऋषि भार्गव सर पीयूष सर हैं हिस्ट्री के लिए तो वो सब उसके अलग अलग ओरिएंटेशन सेमिनार्स हैं वो भी फ्री में हैं जहाँ पर डिटेल में प्रश्नों के साथ ट्रेंड के साथ सब आराम से चर्चा होगी यहाँ पर मैं सारी बात आपको बता नहीं पाऊंगा तो मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दूंगा कि करना क्या है बीच में मैं थोड़ा वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में पढ़ रहा था पढ़ रहा था मतलब कि वो विकीपीडिया से समरी देख रहा था तो दांते ने एक कविता संग्रह लिखा था डिवाइन कॉमेडी जिसके अंदर कुछ तीन भाग हैं और उसमें नाइन सर्कल्स ऑफ हेल्थ नर्क के भी नौ स्तर हैं और अलग अलग पाप के हिसाब से आपको अलग अलग सजा मिलेगी ऐसी बात थी तो फिर मैं सोचने लगा यूपीएससी में भी कुछ ऐसा ही है जो पहला सर्कल ऑफ हेल है दैट इज़ लिम्बो लिम्बो मतलब वहाँ उन्होंने ईसाई धर्म के हिसाब से कि जिसका बाप्टिज्म नहीं हुआ और वो आएगा तो क्या पर हम उसमें नहीं जा रहे यहाँ लिम्बो मतलब अधर में लटकता इधर भी नहीं उधर भी नहीं तो कहीं ना कहीं आप सब लोग में भी कुछ ना कुछ कि मैं क्या कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रिलिम पास उस प्रिलिम एग्जाम देता है आंसर की देख रहा है कट ऑफ होगा कि नहीं उस लिम्बो अदर अवस्था में वो दो तीन चार हफ्ते तक मेंस की तैयारी नहीं कर रहा है और फिर उसके चलते प्रिलिम भले फेल हुआ मेंस का भी उसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ नेक्स्ट ईयर यहाँ तक पहुँचा तो उसका वही रोना है कि मेरा तो ऑप्शनल अभी तक नहीं है तो भाई तुम एक साल से कर रहे तो तुमने क्या की तो ऐसे सब नरक में मत रहो दूसरा अभी कि टू का अटैम्प में दूँ कि नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लूँ लिया है फिर कोई और बता रहे नहीं इसका सक्सेस रेट ज्यादा है तो वापस वो अदर अवस्था में कि मैं छोड़ दूँ कि नहीं मीडियम क्या इंग्लिश में लिखूँ हिंदी में लिखूँ कोई और भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठूँ स्टाफ सिलेक्शन स्टेट सर्विस दे दूँ कोचिंग ज्वाइन करूँ कि नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ कि नहीं फिर कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूँ फेल अटैम्प्ट हुआ प्लान भी कब एग्जीक्यूट करूँ फिर कुछ लोग को ये मुझे ये वाला कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है मैं आईपीएस के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं और तकलीफ ये है कि उसका कोई स्पेसिफिक जवाब आपको मिले नहीं वो ऐसे कुछ रोग या ऐसी जो अवस्था है कि उसके मेडिकल स्टैंडर्ड में चीज़ ना लिखी सभी के सभी अपने इसके अलावा और भी हो सकते हैं यू आर ऑल इन दैट वो लिम्बो अदर अवस्था में आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स पियर्स फैकल्टी नहीं तो ये अन एकेडमी का जो ऑफलाइन सेंटर खुला है ओल्ड राजेंद्र नगर में वहाँ आप जाइए वहाँ पर आपको कोई ना कोई काउंसिलर कोई ना कोई फैकल्टी मिलेगा आप आराम से पूछ के एक बार निर्णय लीजिए टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट कि मुझे एस एस सी देना तो एस एस सी दो फिर ये लिम्बो में आप रहोगे तो कहीं आपका कल्याण हो नहीं सकता तो मेक श्योर sure कि आप वो चीज़ करें अच्छा आप में से कितने लोगों को ये दि अभी भी दुविधा है कि मैं इस बार परीक्षा दूं कि नहीं छुड़ा है कि टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अटैम्प वन वन कितने लोग हैं अच्छा तो बाकी सब ने डिसाइड किया है कि 2023 देना ही देना है अच्छा कैसे लोग हैं जो 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर को टारगेट करें काफी सर मतलब टू थर्ड ऑफ द पीपल uh, ग्रेट खैर ऐसे जो भी लोग होंगे जो अभी की जिन्होंने तैयारी की थी अब उनको लास्ट मिनट में ये हो रहा है कि मैं टू का अटैम्प दूँ कि नहीं तो उसकी चेकलिस्ट बना दो आप कि जितना टाइम अभी बचा है आपने पास जो भी कुछ चार महीने बचे हो उसके अंदर रिवीजन करना है तो बाकी तो ढाई तीन महीने ही बचे नया पढ़ने के लिए तो क्या आपने जो भी छः सात बड़े सब्जेक्ट है हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एनवायरमेंट वगैरह उसमें से कम से कम चार आपने ढंग से पढ़े हैं लास्ट टेन ईयर्स के पेपर्स देखे और उसके अंदर आपने जो देखा तो फिर आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से मैं एटलीस्ट फोर्टी परसेंट उसमें मेरा कुछ टिक हो जाएगा अभी फोर्टी परसेंट फिर आप रिवीजन करेंगे पॉलिश मारेंगे और पढ़ेंगे तो उसको और ऊपर ले जाना है और बाकी जो भी एथिक्स ऑप्शनल वगैरह कितना खत्म हुआ कितना लेफ्ट ओवर है लेफ्ट ओवर है वो प्रेम्स के बाद खत्म होगा कि नहीं ये सब आप चेकलिस्ट बना के एक बार देखो और डिसीजन लो कि मुझे 2023 का अटैम्प देना है कि नहीं अदर अवस्था में मत रहो आखिरी मिनट तक वही दूखी नहीं दूखी नहीं भाई तो ये तो आपको ही डिसाइड करना है मैं कैसे बोल सकता हूँ यू ओनली नो वॉट इज योर सिचुएशन खैर जो ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने तैयारी की अब थोड़ी उनको और पॉलिश मारनी है और चीज़ों को खत्म करना है स्ट्रक्चर तरीके से तो अन अकेडमी तीन महीने का क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है इसके अंदर भी एक नई सिस्टम आई है स्टोर स्टोर मतलब एक ऐसी ऑनलाइन चीज़ है कि जहाँ पर आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा विषय ही पढ़ने हैं अब कि ये जो अपने छः सात सब्जेक्ट है उसमें मेरे चार तो एकदम पावरफुल हैं ये तीन के अंदर मुझे ज़रूरत हो रही है तो ऐसे चुनिंदा कोर्स खरीदने के लिए एट अ मच अफोर्डेबल प्राइस देर इज़ अन एकेडमी स्टोर ये एक चीज़ हुई ये ऑनलाइन चीज़ है जहाँ जी एस सी सेट और करंट अफेयर्स की आपको सब फैसिलिटी दी गई उसके अलावा अन एकेडमी का प्लस मॉड्यूल है ये सब कि जी एस सी सेट करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज डाउट सॉल्विंग नोट्स वगैरह आपको मिले डिजिटली और तीसरा आइकॉनिक जी एस की जहाँ पर ये सब तो मिलेगा उसके अलावा मैंटोरशिप डाउट सॉल्विंग और ये जो यहाँ पर हमारा ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है उसकी भी आप टेस्ट ऑफलाइन जाके दे सके क्योंकि डिजिटली तो आप कर सकते हैं उसमें आपको नई प्रश्न आ रहा है आप कहीं गूगल सर्च कर लेंगे बीच में मम्मी ने कहा खाना बनाना है आप वापस चले गए पर जो ऑफलाइन बैठा दो घंटे तो दो घंटे आपको टेस्ट देनी है सो इट विल इक्विप यू सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो और ये सब के लिए सब लिंक्स वगैरह और ब्रोशर में आपको चीज़ें दी हैं तो दैट इज़ वन थिंग स्टोर मैंने आपको बताया सिलेक्टेड आपको चीज़ें लेनी है तो प्लस क्या है अगर स्टोर ऐसा है कि सिलेक्टेड चीज़ें आपको लेनी है कम एट अफोर्डेबल प्राइस तो दैट इज़ वन थिंग बाकी प्लस पैकेज जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस डाउट सॉल्विंग प्री एंड मीन्स की टेस्ट सीरीज और नोट्स वगैरह जो पूरी एक साल की दो साल की आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर भी आइकॉनिक एड ऑन की जहाँ पर ये वन ऑन वन मेंटरशिप टेस्ट सीरीज के सब डेली uh, प्रैक्टिसज़ और नोट्स की प्रिंटेड कॉपी पर वो लॉन्गर ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन के साथ होती हैं दैट यू टेक ऑन द वेबसाइट मित्रों यूपीएससी के अंदर ये अन्य अकेडमी काफ़ी वर्षों से कार्यरत है और इससे लोगों को फायदा भी हुआ है पिछले तीन सालों के अंदर हम ऐड करते रहें तो 400 से ज़्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और उसके अंदर रैंक टू रैंक फोर रैंक थ्री सब बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं और ऐसा नहीं कि नहीं वो तो मॉक इंटरव्यू एक बार किया होगा और बोल रहे हैं बेन्द्र जागृति अवस्थी रैंक टू शी वॉज ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफ अन और साथ ही साथ कि जो लोग दिल्ली में रह के ऑफलाइन जिनको तैयारी करनी है तो अब अन लेकर आ रहा है ये ऑफलाइन सेंटर एट ओल्ड राजेंद्र नगर वहाँ पर 2024 की फाउंडेशन बैच का सब काम शुरू हो रहा है और उसके भी अभी फ्री क्लासेस जो अलग अलग समय पर होने वाले हैं आप उसका फायदा उठाएं जहाँ पर अपने सब बड़े टीचर्स आतीश माथुर साहब हैं पीयूष यादव सर है विवेक सिंह सर पवनीत सिंह है फिर एम पुरी साहब हैं वगैरह उन सब का विवेक सिंह साहब है इकोनॉमी के लिए पीयूष सर है हिस्ट्री के लिए ऋषि सर है फॉर सी सेट पेपर हिमांशु सर हैं जोग्राफी के लिए उन सब की आपको हेल्प मिलेगी तो देट इज़ वन थिंग अभी जो हेल नंबर वन था देट वॉज अबाउट लिम्बो कि आप डिसीजन नहीं लेते और अब अदर में लड़के मुझे अटैम्प्ट कि नहीं वगैरह हेल नंबर टू वो दानते ने अपने सब किताब में लिखा इज लास्ट वासना अब वो वासना ऐसी है ये कैंडिडेट है प्यार करना चाहिए पी से लेकिन रैंडम मॉक पे उसकी नज़र है आप कहेंगे कि तुम इतना बड़ा टीचर हो के ये क्या छीछोरपंथी वाले फोटो लगा के आते हो एंड आई अग्री लेकिन वो ऐसी चीज है वो शौक नहीं दो तो लोग ध्यान नहीं देते अब आप समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसा एक एमसीक्यू पूछा 2021 में वापस वही पूछा थोड़ा उसमें उन्नीस बीस का फर्क था ये रियल पेपर की मैं बात कर मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट 2019 में एमसीक्यू पूछा सेम टू तो सेम चीज वापस 2021 में पूछी मतलब उसका जवाब भी वही आया शायद ऐसा था आप जानते हैं प्रलिम में एक क्वेश्चन जीएस का है इसका मतलब दो मार्क तो दो प्रश्न तो आपके वैसे ही पुराना पेपर सॉल्व करके आए तो आपके चार मार्क हो गए और एग्जाम्पल मैं आपको दूँ 2019 में कुछ तीन चार का सेट पूछा था कि माशिर नाम की फिश वो कौन सी नदी में मिलती है 2022 में ऐसा पूछा तीन चार पक्षी के नाम है और इसमें कौन सा पक्षी नहीं है तो माशिर वो फिश है तो वो पक्षी नहीं है तो आप उसको सॉल्व कर सकते थे बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में 2019 में पूछा 2022 में जो पूछा उसमें उसी के नॉलेज को थोड़ा एलिमिनेटेड एलिमिनेशन मेथड लगाते आपका काम हो जाता तो अगेन चार मार्क आप क्या हो गे? तो पीवाई देखो मैंने आपको बताया एवरी क्वेश्चन इज अ ब्यूटी इन इट अब इसे और भी प्रश्न है उसके जब

ऊपर नीचे जाने के फैक्टर क्या होते हैं पेपर कितना टफ है वैकेंसी कितनी कम ज्यादा है अब ऐसी स्थिति में जब 87 के आसपास कट ऑफ घूम रहा है फॉर जनरल कैटेगरी और उसमें आपको सेकंड अटैम्प थर्ड अटैम्प वाले सब बैठे हैं तो ये चार मार्क वही आपकी जिंदगी वो शाहरुख खान जो बोलता है चक दे इंडिया में कि ये एक गोल आपकी जिंदगी बना सकते हैं सेम थिंग ये अक्षम्य अपराध है अगर ये वाले आपके गलत हो रहे हैं क्योंकि वो थर्ड अटैम्प वाले दया नहीं रखेंगे वो इसे टिक करके आएंगे वेकेंसी इस बार थोड़ी ज्यादा है ऐसे ही सब खुशी का माहौल है फिर कुछ लोग कहें नहीं वो तो आई का नया ऐड किया ना इसलिए हो रहा है हाँ तो आई की एग्जाम जो ऐड हुई है तो प्रीलिम के कट ऑफ पर क्या असर होगा क्या इससे आई टी मैथ्स इंग्लिश वालों को फायदा होगा वो सब बातें चाय की टपरी पर आप करें यहाँ पर उसकी कोई चर्चा का स्थान है नहीं सरकार ने निर्णय लिया आपको परीक्षा देनी है आपके हाथ में ये पढ़ाई करके जाओ अपना बेस्ट आउटपुट दो बाकी ये अब समझिए फेब्रुआरी में हम पहुंचे मार्च अप्रैल और मई महीने में परीक्षा मई महीने में आप पूरा रिवीजन करें शायद अप्रैल में भी रिवीजन करें सीसीट की तैयारी करें तो भी ढाई तीन महीने में आप और क्या ही करें तो ये टपरी वाले सब गॉसिप कल्चर छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो ये एकदम इजी प्रश्न दो हजार बाईस में पूछा कि नॉर्दर्न हेमिस्फियर में सबसे लंबा दिवस कौन सा होता है और चार और ये एनसीआरटी में पूरा दिया है अगेन थर्ड अटेम्प्ट वाला इसको कर देगा फिर कुछ पूछा अब दो हजार बाईस फिल्म में कि अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्री कौन से अगेन वो सब लोग कर लेंगे तो ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं करीब लेटेस्ट 2022 की मैं बात करूं 25 ऐसे इजी क्वेश्चन थे आउट ऑफ हंड्रेड और एक क्वेश्चन के दो मार्क तो 50 परसेंट तो आपके ऐसे इजी क्वेश्चन में आ गए और भी थे बी सेल और टी सेल का क्या फर्क है एनसीआर में दिया लॉन्गेस्ट डे मैंने आपको भी बताया और समझिए कि अगर कट ऑफ एटी फाइव एटी सेवन नाइन्टी है तो आधे रास्ता तो आपका ये इजी क्वेश्चन से जा रहा है तो वहां तो मतलब वो मिस नहीं ही होना चाहिए उसके ऊपर अराउंड थर्टी क्वेश्चन मीडियम और फिर फोर्टी फाइव टफ तो देखिए इजी और मीडियम में अगर कुछ गलती हो रही है दैट इज अनफर्कीबल सीन और फिर उसमें नरक अवस्था आपको मिले तो वो आप उसके लायक थे जहाँ तक फोर्टी फाइव टफ क्वेश्चन की बात है उसकी कोई सीक्रेट बुक नहीं है बीच में एक बार आया कुछ फ्लोरा फोरा बहुत पूछा एक आध कुछ प्रोफेसर की किताब मिली फिर उस दूसरे साल देखा लो कुछ मजा नहीं आ रहा तो उस पर अपना नाइन्टी टाइम स्पेंड ना करें अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे टफ क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाए तो प्रेम दो में पूछा ये घाट प्रभा तेलंगाना गांधी सागर मध्य प्रदेश इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश माइथन छत्तीसगढ़ और इसमें से कितनी पेयर गलत है वो फाइन करना मतलब तू क्या आप एलिनेशन टेक्निक के वो सब निकले नहीं हम गए थे बेंगलोर में और सुदर्शन सर और इसकी सब आंसर की बन रही थी सर भी ही हैड ऑब्जर्व कि भाई ये तो बहुत क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में इंदिरा सागर है कि नहीं या कुछ और जगह पर है ऐसे दो तीन नाम के स्थान है तो इस पर अब कितनी आप तैयारी कर लेंगे तो हो सके उतना करो फिर आगे बढ़ो इसको लेके नाइन्टी परसेंट टाइम स्पेंड मत करो फिर ये प्रश्न पूछा कि पेरस की, की चार्ड में परमानेंट मिलिट्री बेस और गिनी में ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन लेबनॉन में ये टूनिशिया में ये और कितने पेयर्स करेक्ट हैं वगैरह आपको आप पढ़ते हैं आप कुछ एलिमिनेट करते हैं इट विल हेल्प यू पन फिर आप जानते हैं ये सब डेमोग्राफी एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड वाली उनको ये लगता है कि ये पूछा और उसने वो करेक्ट किया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा जबकि ये सिर्फ एक प्रश्न है आपको बाकी भी एटी फाइव नाइन्टी परसेंट स्कोर करना है एक पैरलर उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कलारी पैतु वो केरला का मार्शल आर्ट है जीपीएससी गुजरात स्टेट सर्विस परीक्षा में एक बार पूछा कि कलारी पैतु कहां कह तो केरला जवाब अब ये ऐसा है आपको भी पता है जो केरला फैमिली के साथ वैकेशन में गया उसको भी पता है टूर ऑपरेटर ने ये सब दिखाया होगा और ये जो टाइगर श्रॉफ की बागी मुझे देख के बैठा उसको भी पता उसका भी ऐसा ट्रेनिंग हो रहा है अब ये जो जनता होती है वो क्या सोचती है घर आके कि बाकी नाइन्टी नाइन क्वेश्चन का जो हुआ ये मेरा क्वेश्चन एकदम सही हुआ था और वो ऐसी हैप्पी मेमोरी लेके जाता है और वो मतलब मेरा तो अब सिलेक्शन हो जाएगा वो फेल होगा तो कबूल नहीं हो करेगा वो सब कि नहीं ये तो ये आदमी मेरे ये कास्ट या ये रिलीजन या ये रीजन के लोग मेरी नौकरी ले रहे हैं कहां पर और फिर दूसरे साल वो वापस परीक्षा दे रहा है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि मेरी गलती कहां पर हुई थी सो डोंट बी लाइक दैट वापस आऊ मैं बता रहा था प्रीलिम के प्रीवियस ईयर को दैट शुड बी उस पर आपकी प्यार होना चाहिए रैंडम मॉक्स ठीक है आप जितना टाइम बचे आप करते रहें डू दैट बट फर्स्ट पार्टी पीवा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार आप देखो तो भी उससे आपको फायदा ही होगा इसमें भी थोड़े और क्विक टिप्स कुछ बार मेंस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए वो प्रीलिम में रिपीट होता है फॉर एग्जाम्पल बीच में एक बार रैंडम मॉम फोड़ा कि डब्ल्यू एच ओके एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बाद भारत सरकार ने क्या कैसा मीन्स में पूछा उसके बाद 2022 की आप प्रिलीम देखो तो उसमें ऐसा पूछा है डब्ल्यू एच ओ के एयर क्वालिटी गाइडलाइन में इसमें से सही वाक्य ढूंढिए सो दैट इज वन थिंग और मीन्स में खुद के भी पुराने थीम्स कई बार रिपीट होते हैं तो आप उसका देखते रहिए प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करें आई एस के करें बेशक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सी ए पी एफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम उसके भी देखे लेकिन सिलेक्टिव तरीके से क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ जो होती है वो यहाँ पर आई में नहीं आती जैसे कि वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इलेवन ट्वेल का बहुत हाई हार्ड कोर पूछते हैं वो यहाँ पर है नहीं वहाँ पर जियोग्रफी के नाम पर फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत नीचे जाकर वो बारीक चीज़ें पूछते हैं जो शायद यहाँ पर हमें नहीं दिखती पर्सन इन न्यूज़ अवार्ड्स वगैरह पूछते हैं या नहीं पूछते तो ऐसा तो आप पुराने आई के पेपर पहले सॉल्व करें आपको पता है ऐसा पूछते हैं और उसके बाद ये देखोगे समटाइम्स वो एक बार कुछ गीत पक्षी कुछ खाता है एक दवाई और उससे मतलब वो कैटल खाता है और उससे उसके शरीर में वो एक चली जाती है दवाई और उसका मृत्यु होता है तीन चार बार कंटिन्यूसली आ रहा है हर एक एग्जाम एक में जहां तक मॉक टेस्ट की बातें देखिए एक होता है कैट और बैंक और ऐसे एग्जाम की जहां पर स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस आपको पता है तो फिर आपने पचास सौ क्वेश्चन सॉल्व करने ताकि आपकी स्पीड और डेक्सिटी बढ़े आई एस एग्जाम ऐसा नहीं है ये जी एस हैवी एग्जाम है यहाँ स्पीड इन टू टाइम डिस्टेंस बेशक सी सेट में करना है पर जी एस वाले में तो आपको बहुत सारा नॉलेज और पेरीफरल नॉलेज होना चाहिए तब जाके वो आपका बनेगा तो इसलिए पढ़ाई नहीं टेस्ट सीरीज मुख्य चीज़ है वो आप ना रखें पहले पढ़ाई जितनी ज़्यादा हो सके आप ख़त्म करें पढ़ाई के लिए भी अपने ये सब प्रोडक्ट्स और उसके साथ भी मॉक टेस्ट भी है अलग से भी आपको मॉक टेस्ट करने वो भी हैं अन एकेडमी का कॉम्बेट होता है अलग अलग बहुत सारे टेस्ट फ्री में भी है पेड में भी है टेक बेनिफिट ऑफ दैट अब मैं वापस आऊँ हेल नंबर टू वासना तो कैंडिडेट सिलेबस और बेसिक बुक से आपका पहला प्यार होना चाहिए से आंसर राइटिंग वो पहले भी मैं भाई बार बता चुका हूँ आप सबको पता है कि टॉपिक समझ आए लेकिन जवाब लिखने जाओ तो बात बनती नहीं पर कैसे बनेगी जब आप पूरा पढ़ के नहीं आए तो क्या मैं डे वन से मेन्स आंसर राइटिंग कर सकता हूँ हाँ अगर आप माँ के पेट में एनसीआर और बाकी सारे बेसिक बुक पढ़ के आए थे तो आप डे वन से फिर मेन्स आंसर राइटिंग कर सकते असल में टॉपर्स उसमें भी मुझे लगता है टॉपर ने पूरी बात बोली थी कि मैं एक अटैम्प दिया सिलेबस कंप्लीट सिलेक्शन नहीं आया सेकंड अटैम्प्ट दिया सेकंड अटैम्प्ट के डे वन से मैं मेन्स आंसर राइटिंग कराता था क्योंकि मेरा बेसिक सब में पढ़ाई लिखाई करके बैठा लेकिन उसकी जो क्लिप बनेगी यूट्यूब पर आप जानते हैं वो सिर्फ इतना कि डे वन से करता और फिर ये सब लोग वो उसमें लग जाते हैं डोंट डू दैट पहले सिलेबस खत्म करो चार छः महीने के न्यूज़पेपर पढ़ो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब हो सकता है अब इस पर और भी बातें हो सकती हैं वो अलग अलग सेमिनार में हम करेंगे कि कम से कम सिलेबस दो तीन बार रिवीजन हुआ है न्यूज़पेपर पढ़ें क्लास इलेवन ट्वेल्व के एन के सोशियलॉजी पॉलिटिकल साइंस एनसीआर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तीन से पाँच साल के पुराने मीन्स के पेपर का ब्रेंच स्टॉम है देन यू विल हैव सम कॉन्टेंट टू राइट डिसेंट थिंग्स इसमें भी सब 2022 की परीक्षा के मॉडल आंसर की पूरी हमने YouTube पर सीरीज़ चलाई थी उसे आप देखें मीन्स के अंदर भी लोग टेस्ट देने के बाद क्या गलती करते हैं उसकी भी पूरी सीरीज चली ये जो वीडियो YouTube पे आ गया लिंक्स उसके डाले होंगे आप देखना इसमें भी और आगे बढ़ें ये है नंबर टू लस्ट वासना तो एक आध सब्जेक्ट पर इतना प्यार आ जाए कि बस उसी में पूरा दिन लगे विदाउट चेकिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल ये दो में पूछा कि फनम क्या है तो विजयनगर एम्पायर का क्लोथिंग कॉइन ऑर्नामेंट या वेपन तो कॉइन जवाब आता है अब अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल किताब है नितिन सिंह आने तो मैं किंडल में या कहीं उसको डाउनलोड करूं और फिर मैं कंट्रोल एफ फाइंड कमांड दूं और मैं लिखूं फनम तो मुझे मिल जाए अच्छा फनम इज वो विजयनगर एम्पायर का कॉइन तो अब मैं स्क्रीनशॉट डाल डाल के छाती पीट पीट के बोलूँ कि देखो इधर से सॉल्व हो रहा है ये बुक आप खरीद लो बट कैन यू रिमेंबर दैट थिंग क्योंकि उसमें नीचे देखो लिखा है सिल्वर तारा ऐसा भी उनका एक कॉइन था लेकिन वही यहाँ पूछते तो हाँ शायद वो कोई हिंदू नॉर्थ इंडिया के किंगडम का भी तो हो सकता था वो कॉइन राइट तो अबकोर्स पढ़िए आप लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूछा है और ऐसा आपको हैमर किया जा रहा है तो मतलब इस पर मैं नाइन्टी परसेंट टाइम स्पेंड कर वरना वो वही आप अननेसेसरी एक जगह पर ज्यादा रुके सब जगह फैल फैल के तैयारी ये जो हेल नंबर टू है लस्ट वासना उसका एक आयम होता है एडल्ट्री व्यभिचार मतलब विश्वास न रखना कहीं और चले जाना तो आपके जो भी किताबें जो भी नोट्स हैं टीचर्स आपको जो एडवाइस दे रहे हैं उस पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं ये वास्तविक नहीं मुझे तो कोई और कुछ दिखा रहा है वो मुझे तो देन इट विल नॉट हेल्प यू बाकी लवी डवी जनता उनको मैं कहना वो भाई कोई दो जने एक साथ सिलेक्ट हो ऐसे मुझे चार ही केस अब तक याद है पिछले दस साल में डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट आगे बढ़ते हैं हेल नंबर थ्री इज ग्लटनी खाऊपन बहुत ज्यादा जो खाते हैं और उनको नरक में सजा मिलती वगैरह अब देखिए अर्थक्वेक भूकंप धरती कम क्लास सेवन एनसीआरटी में क्लास इलेवन एनसीआरटी में जीसी लियोंग में एनसीआरटी की टेस्ट सीरीज में ऊपर चलो तो डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स पेपर थ्री में भी है और फिर यही लोग कि अतिशय प्रेम आ गया तो बस ये ही पढ़ते रहते तो फिर आप बाकी विषय कब करेंगे देन वॉट इज द वे फॉरवर्ड या तो कोई आप अच्छे टीचर से एक बार कोर्स खत्म कर लो चाहे यूट्यूब पे भी सीरीज चलती है स्पेशल क्लासेस होते हैं वगैरह आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स और उसके अंदर भी ये खाऊपन की भावना स्वाएमसी क्यू आई प्रिलिम में उसके अंदर से लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर क्या ट्वेंटी अब ये भी ज्यादा है असल में तो पंद्रह सत्रह के आसपास हो उसके अंदर ये जो करंट अफेयर्स पी डी फाइल लेके आप घूमते हैं उसमें से कितने सॉल्व हो सकते हैं चार चार भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ उससे तो कम हो ये ऐसी बात है मैं आपको कहूँ कि गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल कौन सा है और मैं को देखो सिमिलर क्वेश्चन है मैंने कवर करवाया था क्लाइमेट का जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क के अंदर दो बातें लिखी वो अपने मैगजीन में और वहाँ चार स्टेटमेंट पूछे जो वेबसाइट पे भी ढूंढो तो दो बार चेक करना पड़े नहीं ये तो यहाँ से आए डिस अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर वो मत करो अबकोर्स ये जो करंट अफेयर्स पी डी मैगजीन के अंदर ये अननेसेसरीली बहुत चल रहा है उसको ठीक करने के लिए हमने खुद से इनिशिएटिव लिया अन एकेडमी आर्टिक्यूट मैगजी में खुद से उसका सब एडिटिंग वगैरह काम देखता हूँ कम पेजेस के अंदर काम की चीज़ हो उतना ही कवरेज हो और हर जगह वो जैसे एनसीआर में होते हैं पहली बूझो कि एक तरफ कुछ बोल रहा है सामने कुछ जवाब दे रहा है ताकि आपको पता चल जाए पूरा मामला क्या है जैसे ओ सब कैटेगराइजेशन अब वैसे है सब लिखा फैक्ट्स एंड एवरी पर जो छोटे गाँव शहर से जिनको इतनी जल्दी वो प्रोसेस नहीं कर पाते तो क्योंकि वो स्कूल के अंदर ही उनके टीचर्स बेकार थे मेरा मानना है विद्यार्थी सब सही होते हैं वो टीचर्स की गलती अगर वो उसको समझ नहीं पा रहे हाथ की सारी उंगलियां एक समान नहीं है पर जो कम उंगली तो उसको भी उतनी ही मजबूत करने का काम वो शिक्षक करें हाँ तो मतलब ये फोटो देख के थोड़ा समझ आए फिर आप फैक्ट पढ़ो यू इट विल हेल्प यू एक बात हुई अभी अगर हम बात करें प्रीलिम्स की और ये जो अपने सभी जी के सब्जेक्ट है मैं लेफ्ट साइड पे नंबर लाइन बनाऊ की थियरी ज्यादा पूछ रहे हैं और राइट साइड पे बनाओ कि करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे हैं तो अगर हम कहें हिस्ट्री कल्चर तो वो आप कहेंगे पूरा थियरी है अग्रीड पर वो ऐसा कि जितने प्रश्न नाइन्टी परसेंट थियरी होगा टेन परसेंट ऐसा करंट के चलते उसको पूछा अच्छा इतिहास में से करंट के प्रश्न आते हैं फॉर एग्जाम्पल ये दो हजार का प्रश्न है कि सेकंड टॉलेज स्टैचू रामानुजाचार्य का वो हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर ने इनागरेट किया उसकी क्या खास उनकी टीचिंग्स थी तो ये क्या मतलब थियरी है एनसीईआरटी से सॉल्व होती है पर उसने पूछा इस संदर्भ में कि ये पूछा है सेकंड ये प्राइम मिनिस्टर ने सर्किट हाउस इनाग्रेट किया तो सोमनाथ टेम्पल के बारे में ये प्रश्न हो आप सॉल्व करो ये दो का रियल प्रश्न है मतलब करंट आधारित घटनाओं पर से भी इतिहास के प्रश्न पूछे तो आप जब भी देख रहे हैं तो थोड़ी नजर होनी चाहिए पॉलिटी पॉलिटी के अंदर एमपुरी साहब हैं वो आ, आपका पूरा डिटेल में उसका सेशन लेंगे कि कैसे तैयारी करें और क्या रुख है तो मैं ज़्यादा उस पर समय नहीं लूँगा मैं दो चार बातें जो बतानी है प्रीलिम के क्वेश्चन मोस्टली एम टाइप जो थियरी के क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हैं कुछ रैंडम बॉम भी आ जाते हैं कि वो पेटेंट लॉयर और कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मामला था ज़्यादातर प्रीलिम में प्रश्न थियरी सेंट्रिक है हालांकि मीन्स पूरा करंट सेंट्रिक टाइप के प्रश्न ज़्यादा आते हैं और वो भी ऐसे कि दो तीन पाँच साल में जो जुडिशरी और अलग अलग संस्थाओं के जो मतभेद चल रहे हैं उसकी ग्रिप होनी चाहिए तो प्रिपेरिमेशन में वो आप तैयारी करें इकोनॉमी इकोनॉमी आप पाए कि अराउंड थर्टी पहले ऐसे मजे थे कि थियरी ज्यादा पूछ लेते थे और आसान सा होता था वो रेपो रेट और करेंसी एक्सचेंज रेट अपडाउन कैसे होगा अब थोड़ा करंट की तर, तरफ जा रहे हैं मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हर एक बिजनेस नॉलेज और एडवांस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अपनी एग्जाम के लिए काम के नहीं बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चले आए पी इतना गया ऊपर नीचे वो भी काम का नहीं पूरे साल का एक बार आते इकोनॉमिक सर्वे देख लो अगर बजट आया तो अभी पाँच दिन सब लोग बजट बजट करेंगे तो कोई बीस क्वेश्चन बजट से नहीं आएंगे मैक्सिमम एक भी आता है और वो भी हर साल नहीं आता है गुड सोर्स टू स्टार्ट प्रिपरेशन एनसीआरटी के तो है पर आई वुड रादर से तमिलनाडु बोर्ड के जो क्लास इलेवन ट्वेल्व है बहुत अच्छे से उसने कलरफुल डायग्राम और आसान भाषा से कराया यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट बाकी उसमें और भी मुझे बातें करनी है तो कल दिल्ली सेंटर या अपना ऑफलाइन सेंटर वहाँ पर आ, मेरा कार्यक्रम है सुबह ग्यारह बजे आई विल डिस्कस मोर अबाउट इट आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन तो 100 परसेंट करंट अफेयर्स सेंट्रिक है और मैं मैंने उसमें आपको बताया कैसे सवाल आ रहे हैं नेगेटिव प्लेसिस न्यूज़ वो भी होते हैं जोग्राफी अब ज्योग्राफी प्लेसिस न्यूज़ टाइप का पूछा वो 30 परसेंट होगा करंट बाकी 70 परसेंट वो ऐसा कि वो करंट का आपको लगता है लेकिन उसके थियोरेटिकल फाउंडेशन के हिसाब से आप उसको सॉल्व करते हैं उसके बारे में सुदर्शन सर का अगर कार्यक्रम है सेंटर पे आप उसको अटेंड करें वो आपको और बारीकी से इस पे बात होगी साइंस के अंदर ज़्यादातर करंट सेंट्रिक बातें हो रही हैं आई सी रिलेटेड दो तीन साल के करंट अफेयर्स के आसपास प्रश्न आते हैं इसका मतलब ये नहीं सारे सॉल्व होते हैं पर आते उस लेवल पर हैं थियरी का एक दो बी सेल टी सेल का क्या फ़र्क है एन बुक में दिया है देख लेना सी सेट मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रीहशन हाँ तो वो तो थियरी हुआ लेकिन इसको कैजुअली आप मत लें बहुत कठिन हो रहा है कैट के लेवल का कुछ एडवांस चीज़ें पूछी जा रही हैं मधुकर कोटावे सर हैं ऋषि भार्गव सर हैं मुदित गुप्ता हैं संजय कुमार शाह हैं ऑनलाइन ऑफलाइन अलग आपके ज़रूरत के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं लेकिन इसको आप पढ़िए और जो क्लासेस लाइव होते हैं तो लाइव अटेंड करिए वीडियो में मत देखो वीडियो में क्या आपको स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस अच्छा मैं फास्ट फॉरवर्ड में अभी पाँच मिनट पाँच मिनट पाँच मिनट के जंप मारता हूँ इट विल नॉट हेल्प यू पढ़ा रहे हैं तो साथ में गिन गिन के आप करो तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी और आप उसको कर पाएंगे एथिक्स मोस्टली थियरी सेंट्रिक हालांकि थोड़ा करंट का आप एग्जाम्पल देकर उसको एनरिच करें लैंड रिफॉर्म फूड प्रोसेसिंग सब अब, के हुए, अब इसको तो आपको छोड़ देना पड़े अगर आप टू को टारगेट कर रहे हैं तो कुल मिला के पूरा चार्ट बनाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ज्यादातर चीजें इस तरफ थियरी वाली हैं और करंट हैवी भी, भी है लेकिन वो ऐसा है कि इट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइंग नाइनटी परसेंट ऑफ योर टाइम दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से तो मैं दो घंटे रोज द हिंदू पढ़ता हूँ एंड इट इज एन अम्पलिशमेंट इन लाइफ माई लाइफ तो आई डोंट थिंक इट इज एन अकम्पलिशमेंट इन योर लाइफ क्योंकि आप बहुत सारा और मिस कर रहे हैं फालतू तो में बहुत सारे पी और माल मत जमा करो मॉक टेस्ट वीडियो सब संयम में आप रखिए दैट इज एल नंबर थ्री नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं जीएस के नोट्स में अगर आपको लगता है निबंध का है थी इसका कुछ मैं बोल सकता हूँ तो लिखना चाहिए बाकी जनरल चीज़ें अब कि ये सैटेलाइट लॉन्च किया तो उसके आप नोट्स बनाएंगे वो आप बना सकते हैं पर वो सब ये करंट अफेयर्स पी और सब कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ मिल ही रहा है तो उससे आप करिए अदरवाइज नोट्स बनाने में आपका बहुत सारा टाइम जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मीन्स के जो अलग अलग सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको गहराई की जरूरत है बार बार उसको अपने शब्दों में आप समझेंगे तभी एथिक्स है गवर्नेंस है पॉलिटी है तो उसमें आप बनाइए हर जगह पर वो उसमें मतलब है नंबर फोर ग्रीड लालच लालच जो लालची आदमी है वो क्या करेगा वो हमेशा इजी मनी शॉर्टकट सक्सेस की तरफ भागता है तो शॉर्टकट मतलब जैसे बीच में वो 2016 में चला था गैस मास्टर गिरी वाले कि मैं तो बिना पढ़े पास हो गई थी एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइट वो गलत होगा तो वो गलत करके फिर जवाब आ गए तो चाइना था साइंस के जितने एम सी उसमें आँख बंद करके आप डी ऑप्शन टिक कर दो आपका सही हो जाएगा और आपके दस मार्क गेन हो जाए ऐसा होता था टू या सेवनटीन कहीं पर अब तो यूपीएससी एग्जामिनर को भी पता है कि आपको पता है इट इज़ लाइक वो डॉन मूवी जैसा नहीं है ओरिजिनल वाली कि मेरी बंदूक में इतनी गोली तो जो पढ़ना है उसे पढ़ वर्किंग प्रोफेशनल उनकी ग्रीड क्या होती है कि मेरे पास पैसे मेरी अभी शादी नहीं हुई मेरे तो सरप्लस मेरे पास है सब पैसा स्पेंड करने के लिए तो मैं जाके कुछ भी खरीद लेता हूँ और मतलब लाइसेंस है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ ऐसा नहीं है मेहनत आपको उतनी करनी है जितनी फुल टाइम स्टूडेंट कर रहे हैं क्योंकि दो अलग पेपर सेट नहीं होते एक ही हो रहा है तो मतलब फ्लैश कार्ड माइंड में आप ऑडियो नोट ऐसा ऊपर ऊपर से कहीं कहीं से मैं देख लूँ और मेरा काम हो जाए वो ऐसा नहीं वो सिस्टमेटिकली जो पढ़ना है बाकी लोग पढ़ रहे हैं उस तरह से आप पढ़िए अब यहाँ पर भी कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता ऑफलाइन हम ज्वाइन नहीं कर सकते हमारी पोस्टिंग कहीं अलग है तो अन इज़ देयर टू तो हेल्प यू टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी तो मॉर्निंग के भी बैचेज रात के भी बैचेज आप उसका इस्तेमाल करें देखिए फ्लैश कार्ड माइंड में बॉडियो नोट में चीज़ क्या है आपका कोई सिंपल सा क्वेश्चन टिक हो सकता है कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है पूरे साल में लेकिन आपको एडवांस चीज़ें जब पूछी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें आपको गहराई से समझना पड़ता है जो आपको बड़े टीचर्स बता सकते हैं ग्रीडी पर्सन शॉर्टकट लेता है वो क्या एनुअल रिपोर्ट का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करे अच्छा वन सिक्स टू सोलह सौ लोगों ने पॉलिटिकल साइंस मींस लिखा था उसमें से वन थर्टी सेवन दो मतलब एट परसेंट लोग पास हुए देखो एक सौ सैंतीस तो ये बेस्ट चीज है एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस छोटा है रेडीमोड नोट्स हैं तो मैं पास हो जाऊँ मतलब लाइसेंस है तो ऐसा तो है नहीं तो ये सब ग्रीड है वेटनरी साइंस में सोलह में से तीन लोग सोलह लोगों ने एग्जाम लिखा तीन लोग सिलेक्ट हो गए तो मतलब एटीन परसेंट है तो वो क्यों नहीं ले रहे हो तो फिर आप स्टेटिस्टिक में जीरो आदमी सिलेक्ट हुआ तो उसको नहीं लेना चाहिए ये सब वही है वो हेल वाली चीज़ आप अपने क्या ग्रेजुएशन है क्या आपका फेवरेट चीज़ उसमें समझ आ रही है कितना सपोर्ट है कोचिंग है वगैरह नोट्स हैं एडवाइजरी है उस हिसाब से आप डिसाइड करें बाकी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप अलग अलग बहुत सारे फ्री क्लासेस के अंदर इसकी चर्चा होती है आप गहराई से उसको सोच हेल नंबर फाइव इज आक्रोश मैं जल्दी से अब इसको ख़त्म करूँ गुस्सा गुस्सा अच्छी बात नहीं है वो गुस्सा में देखता हूँ ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर चैट बॉक्स में मतलब क्या ही वो भावुक हो जाते हैं नहीं तुमने ये राजा के बारे में ऐसा क्यों और कैसे बोल दिया कुछ बार तो टीचर कुछ और ही बता रहा है दो स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं उनका फेवरेट कौन राजा है या उनकी क्या नीतियों पर उनको चीज़ है तो वो सब आपके वो असल में इट विल नॉट हेल्प यू पेरेंट्स सिपलिंग के साथ लड़ाई ये सी सी और आई टी और इंग्लिश मीडियम वाले और ये स्टेट वाले सब लोग मेरी नौकरी ले रहे हैं वगैरह देखिए आपका ही फोकस जा रहा है आप पढ़ाई पर ध्यान दो एल नंबर विधर्म रेसी मतलब मैं धर्म और परंपरा में नहीं मानता जो स्थापित सिद्धांत हैं नहीं मैं वो नहीं मानूंगा मैं दूसरों से अलग हूं अब ये ऐसी बात है शेयर मार्केट में भी ऐसा है कि सभी लोग अगर अदानी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी अपनाऊं कि नहीं मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो जिस दिन ये गिरेगा तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो हाँ तो हो सकता है शेयर मार्केट में वो हो होता है पर नॉट नेसेसरीली इन यूपीएससी अब बाकी पूरी दुनिया जो टीचर्स और टॉपर्स बताए ये किताब में से इतना पढ़ो तो मैं वो नहीं पढ़ू मैं उल्टी किताब में से पढ़ूंगा मैं दूसरों से अलग हूँ इसलिए मुझे सिलेक्ट कर लो तो दूसरों से अलग तो बहुत सारे लोग हैं तो फिर सब तो आयस नहीं बन रहे मैं दे सकता पर ये यूट्यूब तो यू नो मैं वापस आऊ ये जो इजी प्रश्न है जो एनसीआर और बेसिक चीज़ें से सॉल्व हो सकते हैं आप नहीं कर पाए तो फिर ये अक्षम्य है तो वो इसी वो दूसरों से अलग करने गए डोंट डू दैट सेवन नंबर इज वायलेंस वायलें हिंसा अब हिंसा मतलब खुद पे हिंसा करना सेल्फ हार्म खुद को चोट पहुंचाना वो ऐसा एनालिसिस खुद करेंगे कि देखो 2019 और 20 और 21 में इंटरनेशनल रिलेशन का कोई सवाल नहीं पूछा तो 2022 में मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा और आप जानते हैं 2022 में आठ सवाल इंटरनेशनल रिलेशन के ही थे तो ये सब क्या सेल्फ हार्म है फेल होने के बाद अब मैं कुछ महीने तक पढ़ाई नहीं करूँगा देश बदास बनूंगा इट विल नॉट हेल्प यू सेल्फ हार्म का एक और भी आयाम है कि खुद को ही चोट पहुंचाने के लिए पूरा जी सिलेबस ऑप्शनल सब कुछ एक साथ अपने कंधे पे पियानो उठाने की कोशिश करना और फिर कि मेरा मैनेज नहीं हो रहा है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है ग्रिप नहीं बन रही है तो उसका तो वही है ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो सब्जेक्ट वाइज मंथ वाइज वीक वाइज आपकी होनी चाहिए एक्सेल फाइल में डायरी में प्लान बनाओ प्लान को यू स्टिक टू इट एंड इट विल हेल्प यू अब क्योंकि लोगों के ये भी प्रश्न होंगे कि अब तो एग्जाम बहुत करीब है मैं क्या करूँ तो देखिए ये अपना जो पेड़ है वृक्ष है उसमें से छोटे छोटे फल आपको पहले निकालने होंगे थियरी और करंट अफेयर्स के कोर फैक्ट्स और फिर एनालिसिस ओपिनियन कॉलम करंट ट्रिवियल जी के मीन्स स्पेसिफिक चीज़ें उसको थोड़ा दूर रखना होगा अगर कि अभी 2023 का ही प्रिलिम मेरा टारगेट है अब उसमें हर एक सब्जेक्ट में यह चीज़ होगी कि, कि जैसे एंशियट मीडियवल फ्रीडम स्ट्रगल किया प्रिल्मिम के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री है मींस के लिए तो उसको थोड़ा दूर रखना पड़े छोड़ना पड़े क्योंकि टाइम कम है उसके अंदर भी पहले आप पढ़ाई कीजिए फिर मेंस के हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक पढ़िए फिर मेंस के लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक पढ़िए ऐसा कुछ आप बनाओ पिछ पिछले दो साल के करंट अफेयर्स पी वाई क्यू मॉर्क्स वगैरह दीजिए तो सिस्टेमेटिकली करो तो ये सब कुछ लोगों को समझ आ जाता है उसी तरह इकोनॉमिक पॉलिटी आई आर जोग्राफी एन्वायरमेंट साइंस सब जगह यही कुछ आपको करना पड़ेगा आठवां नंबर एल फ्रॉड धोखा धोखा मतलब चिकनी चुपड़ी बातों में दूसरे लोग जो आपको फंसाते हैं फेक क्लेम्स एंड आजकल YouTube पे हर एक आदमी चैनल खोल सकता है तो जिन्होंने दो तीन साल के पेपर देखे खुद एग्जाम दिया है वो आपको ट्रेंड बता रहे हैं अब अभी ट्रेंड के हिसाब से आप चले तो बीच में एक बार सीपीआई पी का पूछा कि इतना वेट है कि नहीं उससे दस साल पहले का आप निकालो पेपर कुछ पूछा ही नहीं है तो मतलब वो तो ट्रेंड था ही नहीं तो तुमको पढ़ के नहीं जाना चाहिए मनी मल्टीप्लायर भी ऐसा है पूछा तो दो बार पूछा उसके पहले पांच साल तक तो कुछ नहीं पूछा था तो दो तीन साल की चीज़ को आप ट्रेंड मत मानो वरना आपके साथ धोखा हो सकता है नवा है ट्रेचरी ट्रेचरी विश्वासघात वो क्या आप अपने पेरेंट्स के पैसों के साथ उनके विश्वास के साथ धोखा ना करें ये टाइम पास गेम सोशल मीडिया ये सब से बचें तो ये सारे नरक थे उससे आपको बचना है बाकी अन अकेडमी की अलग अलग तीन महीने की जो टारगेट अब दो को बना के बैठे हैं उनके लिए भी है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब ऑफलाइन टेस्ट की फैसिलिटी और स्टोर फ्रंट है जो मैंने आपको बताया आइकॉनिक पैकेज आइकॉनिक एड ऑन प्लस पैकेज और साथ ही साथ अभी ऑफलाइन सेंटर भी खोला गया इसके बारे में और भी आगे बात बाकी स्पीकर्स बताएंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम लेट्स इट थैंक्स सो लॉर्ड मनाल सर सर का खुद का अपना एक पढ़ाने का अंदाज है जिससे जो पढ़ाई है वो काफी इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिंग और इंजॉयिंग भी हो जाती है सर ने काफी ठीक बात कही एक बात पे मैं डबल डाउन करना चाहूंगा फियर फियर मॉगनिंग देखिए जब आपकी प्रिपरेशन डर से ड्रिवन होने लगती है मोटिवेशन की जगह तब रियल प्रॉब्लम शुरू होती है आप शुरू करते हो मोटिवेशन के साथ में एक आई का एस्पिरेशन मन में रहता है लेकिन जब डर से प्रिपरेशन ड्रिवन होने लगती है मोटिवेशन की जगह तब रियल प्रॉब्लम शुरू होती है डर इस बात का कि मैंने ऑल दो स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्र मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ ली है लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा या एक पर्टिकुलर या तो सीनियर ने टॉपर ने किसी एजुकेटर ने आपको कहा कि यह भी किताब अच्छी है तो फिर हम उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ जाते तो डर से यह प्रॉब्लम होती है कि आपको यह समझना होगा कि एक कॉमन टेम्पलेट शायद सभी लर्नर्स के लिए काम नहीं करती है किसी के लिए सुबह पढ़ना हो सकता है फ्रूटफुल हो किसी के लिए दोपहर को किसी के लिए शाम को कोई सीनियर है वो मेन्स का एग्जाम निकाल चुका है वो सुबह पढ़ाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी सुबह ही पांच से सात प्रिपरेशन करना अपनी शुरू करनी होगी एक कॉमन टेम्पलेट सभी लर्नर्स के लिए काम नहीं कर सकती है हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है तो कॉमन टेम्पलेट शायद काम ना करे एंड डोंट लेट एक्सेप्शंस ड्राइव योर प्रिपरेशन आप लोगों में से अगर सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस बता रहे थे एक मिनट का समय लेके मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि 2020 के एग्जाम में यूपीएससी ने हिस्ट्री से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे थे एक क्वेश्चन था रखमा केस के बारे में जो कि एज ऑफ कॉन्सेंट से रिलेटेड था और दूसरा क्वेश्चन था गोपाल बाबा वागलंकर के बारे में जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने विठल विध्वंसक नाम से एक पत्रिका लिखी थी अब ये जो क्वेश्चंस थे थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे इवन स्टैंडर्ड बुक्स वर मिसिंग दीज कॉन्टेंट फिर वन में सेंट जेवियर के ऊपर एक क्वेश्चन आया राइट इफ इफ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में भी एक क्वेश्चन आया जहां पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया था कि विजय नगर एम्पायर के किसी रिप्रेजेंटेटिव से परमिशन लेके ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री को मद्रास में 1638 में खोला था दीज एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन से ड्रिवन जब आप अपनी प्रिपरेशन को करने लगते हो आप अपने सोर्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगते हो और फिर यूपीएससी का सिलेबस पूरा कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है तो फियर एक्सेप्शन से ड्रिवन प्रिपरेशन और उसके साथ साथ एक कॉमन टेम्पलेट सभी लर्नर्स के लिए शायद काम ना करे यह हमें समझने की जरूरत है तो अब आप, आप लोगों में से काफी सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सुदर्शन सर कब आएंगे बोलेंगे तो आप, सर प्लीज द वे मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ इतने मैं कमेंट खुद सर की वीडियोस में देखता हूं पढ़ता हूं सतमी चाहिए एक बार और बजाने का ताली इस बार आप आप लोगों के लिए एक बार और तो मुझे लगता है कि आज अन एक और लर्नर के बहाने को ख़त्म करने जा रहा है ऑफ़लाइन सेंटर के थ्रू मतलब स्पेशली जो ऑफलाइन के मतलब जाने माने शिक्षक हैं आ, उनको मैं मतलब यही कहूँगा कि लर्नर्स कई बार ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कहते थे कि सर ऑफलाइन का क्या होगा ऑफलाइन वाले कैसे पढ़ते होंगे क्या होंगे तो मतलब जिस तरह से ऑनलाइन की टीम है आप लोगों के लिए बिलीव में उसी पैटर्न पे और उसी बेहतर लेवल पे आप लोगों के लिए ऑफलाइन का बहाना भी अब ख़त्म कर दिया है तो जिस लर्नर को भी कुछ थोड़ा बहुत संकोच थे आप ऑफलाइन बिल्कुल विजिट कर सकते हैं क्योंकि जो शिक्षक हैं वो मतलब उसी लेवल पे आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि जिस उम्मीद से आप आते हैं सो थैंक यू सो मच इतनी देर बैठे ब्रेक लोगे क्या भाई मैं देता नहीं हूँ ब्रेक चलिए ठीक है ब्रेक ख़त्म खैर मुझे मतलब मैं भी बैठा हूँ आपके साथ तब से मुझे ऐसा लगा नहीं कोई चीज़ ऐसी मिस कर दी आज मतलब सारी चीज़ लगभग डिस्कस हो चुकी है पर पता एक सच और रह गया मुझे ऐसा लगता है सच ये रह गया कि आ, सबने मतलब जैसे मोनान सर की मतलब वो प्रेजेंटेशन वगैरह देख के सर ने जो लर्निंग्स दी वो तो बहुत अच्छी चीज थी एक सबसे बड़ी लर्निंग जो मिली कि जो व्यक्ति बीस मिनट बोलने के लिए समझ रहे हैं आप ढाई से तीन घंटे पाँच घंटे रात को दो बजे तक आपके लिए पीपीटी बना सकता है तो ये तो मेरी प्रिपरेशन के लिए मतलब ये चीज़ आज लेके जाना चाहिए मुझे समझ रहा हूं कि जिससे यहां तो सिर्फ बीस मिनट डिसाइड होने वाले थे इस प्रिपरेशन के बाद तो मेरा जीवन चेंज होने वाला है तो मैं कुछ तो लेके जाऊं ये बात यहां तो उसी में स्ट्रगल हो रहा है कि सुबह लेट हो गया उठने में तो उसके दुख दर्द में आपने बारह बजा लिया तो मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा बीस पच्चीस मिनट बोलूंगा ठीक है पर मैं रूटीन पे आने वाला हूं मतलब कि मुझे मालूम है हम तैयारी आई की कर रहे हैं ये कर रहे हैं पर सच्चाई बता क्या है हर दिन स्ट्रगल है हर दिन को लेके चलना और एक सोने से पहले सेटिस्फेक्शन बनाना कि यार आज कुछ कर गया मैं आज कुछ सीख गया ये सबसे बड़ा चैलेंज है सही कह रहा हूं मैं अरे सच्चाई ये है मैं बता रहा हूं आपको जिसने अभी स्वाद नहीं लिया द हिंदू का कभी लीजिएगा आप मतलब डर लग रहा होता भाई क्या करूं समझ नहीं आया हिंदी मीडियम का छात्र अलग परेशान वो द हिंदू पढ़ लिया मेरे को तो दैनिक भास्कर में घड़ी का डिटर्जेंट आ रहा है <laughs> तो थोड़ा सा आप एक पर्सपेक्टिव आज हम चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे जो पहली बार आ, अटेंड कर रहे हैं इस तरह के सेमिनार या जो भी है आप कुछ काम की मेरी बात लगे तो लिख लेना और कुछ पुराने लर्नर दोबारा आए हो शायद तो पिछली बार भी कुछ चीज़ें लिखवाई थी मैंने तो बेशक ख़राब हो गई होंगी वो अब तक तो मिट गई होंगी इधर उधर चली गई होंगी तो एक बार उसको फिर से लिख लेना तीन फेजेस होते हैं जैसे हमें पता है लास्ट वाला क्या है इंटरव्यू उसके पहले मेंस और फिर प्रिलिम्स पर आधे से ज़्यादा की चिंता ये है कि प्रीलिम्स तो निकाल लो तो घर वालों को कहने को हो जाएगा कि बेटा कुछ कर रहा था एक साल से नहीं मैं बता रहा हूँ आपको आधे से ज़्यादा यही होगा पर मैं क्या चाह रहा हूं कि आज थोड़ा आप रिवर्स चल के देखो इंटरव्यू में यदि कोई चीज आपसे पूछी जा रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लगती है कोई बताएगा मुझे सपोज आप इंटरव्यू में बैठे हैं और शिक्षक लोग या जो भी पैनलिस्ट आपसे कुछ बेसिक पूछ रहे हैं क्या लगता है आपको सबसे काम की चीज क्या लगती आप? तो तो है आप बताइए कोई प्लीज बताइए पढ़ाई कॉन्फिडेंस और आप देखो ये बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं एक सच जान लेना कुछ पढ़ा नहीं है कुछ नॉलेज नहीं है ना तो आप खोखले वैसे दिखोगे एकदम कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि इंटरव्यू की सबसे बड़ी डिमांड पता है क्या है आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो सबसे ज़्यादा जरूरी है शायद क्योंकि उसके बाद आपको हर दिन वही काम करना है लोगों को समझाना है लोगों तक पहुंचना है लोगों की समस्याओं बजाना है पर प्रॉब्लम क्या है वो नॉलेज जब अचीव करने की बात आती है तो मन हमारे तुरंत बहाना शुरू कर देता है कि मतलब वो तो जो है अब क्या करूं कैसे करूं अभी जैसे सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई स्पोर्ट्स वाली नो no डाउट बहुत जरूरी है मतलब इनफैक्ट मैं भी आज लर्निंग लेके जा रहा हूं ये चीज ठीक है बट इसमें से आधे से ज्यादा लर्नर अब सर क्या करेंगे कि स्पोर्ट्स के नाम पे अब शेड्यूल बनाएंगे <laughs> कि जिस शिद्दत से आज मैं मतलब टेबल टेनिस या कुछ भी खेलने जाऊँ उसका टाइम टेबल बन जाएगा लेकिन बाकी की जो समस्या है वो दुख दर्द अलग है नहीं सच है बता रहा हूँ मैं आपको इन सब चीजों से बाहर आपको आना पड़ेगा तो इंटरव्यू की जो कहानी है कि यदि मैं कुछ बोल पाऊंगा तो उसकी एक्चुअल में प्रिपरेशन आप कभी शांति से बैठ कर देखना वहां से शुरू होती है आपकी कि नॉलेज गेन करना पड़ेगा आपको अब वो फिर किसी भी माध्यम से हो क्योंकि नॉलेज नहीं ले पाओगे अब तो क्या ही लिखोगे पता नहीं मतलब क्योंकि सेकेंड स्टेज जो था वो मेन्स का है मेन्स में भी सर ने एक बात की थी अच्छी कही कि आज पहला दिन है मेरा और आज से मैं मेन्स आंसर राइटिंग करके क्रांति कर दूंगा पूरी दुनिया में कैसे करोगे आप मेंस का सबसे बड़ा काम है आज न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ के वो दो तीन सौ चार सौ वर्ड पाँच सौ वर्ड उसको आपको कैसे समराइज़ करना वही नहीं पता तो मैं आगे बस कुछ समय में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कुछ मिस्टेक्स जो हर दिन हम कर रहे होते हैं उस पर आप यदि चाहें तो वैसा काम कर सकते हैं काम आएंगी आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ आपको बस क्योंकि कैसे करना है क्या ज़रूरत है क्या प्रिपरेशन मेरे पहले सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छे से बताया है पहली चीज़ तो जो मोटिवेशन वाली बात कही थी ये सच बात है कि मैं या कोई शिक्षक आज आपको इस तरह से मोटिवेट करने नहीं आया कि सूखे पेड़ में पत्ते लगा देंगे हम आपके और जो है आप उठ के चले जाओगे और वो डिसिप्लिन वाली बात ना आपको याद रखना पड़ेगा जो व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल नहीं बना पा रहा है या बना भी लिया उसको शाम तक आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो अब क्या जिला संभालोगे यार समझो आप जहां जाना है मतलब वो समस्या मतलब उस चीज को समझिए आप मैं हर बार कहता हूं ये ये जो सिलेबस है ये आपकी ट्रेनिंग है आज से ट्रेनिंग शुरू हो गई है सिलेबस की सिलेबस नहीं संभल रहा उसमें परेशानी आ रही कि इतने सोर्स हैं सोर्स को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेसिक चीज है कि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे मतलब वो डिसिप्लिन सबसे पहले आना चाहिए बहुत जरूरी चीज है और डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो तो मतलब आ, मैं ही सब सर हर हर व्यक्ति की लाइफ में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है एक शिक्षक भी पढ़ा रहा है तो बहुत जरूरी है उसमें तो वो आप आज नहीं आप सिलेक्शन हो भी जाएगा तो उस दिन भी आप डिसिप्लिन लगेगा आपको तो जब बेसिक नेसेसिटी तो इसको लगाना पड़ेगा अपने को दिमाग तो पहली चीज तो ये है शेड्यूलिंग में भी बिल्कुल क्लियर रहें शेड्यूलिंग ऐसी ना करें कि मतलब इतनी कर लो कि मतलब शेड्यूलिंग में करते करते इतना मजा आने लगता है कि मतलब जो अचीव ही नहीं कर पा रहे हम ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं फिर शाम को दुख दर्द आने लगता है यार मैं क्या करूं अब अब शेड्यूलिंग जब नहीं होगी प्रॉपर आप पैटर्न सही नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा आपकी प्रिपरेशन का जो टाइम है बहुत चला जाएगा लंबा चला जाएगा ऐसे ऐसे लर्नर्स देखें एक एक साल हो गया और सब्जेक्ट ज्योग्राफी हुआ है इन्वॉर्मेंट हुआ है थोड़ा थोड़ा पॉलिटी पढ़ा था आधा पढ़ा था फिर मन नहीं करा मेरा डी के बाद मैं मतलब मन नहीं कर रहा था मेरा आगे तो मेरे को फिर एक सर का कोर्स शुरू हुआ तो मैं इकोनॉमी में चला गया वहाँ वहाँ पढ़ लिया मैंने अब आप देखो गलती पहली क्या है सब्जेक्ट शुरू किया कायदे से क्या करना था उसको आपको कंप्लीट करना क्यों द रीज़न इज दो महीने बाद उसको दोबारा उठाओगे ना सर नहीं आएगा समझ में आप और ये बात है मैं गलतियां जो हो रही हैं मैं बता रहा हूँ एक हम लोगों को जो सीखना है ना वो यही है कि जो आ, जो फेल हो चुका है जिसने कुछ कर नहीं पाया ना उसकी गलतियों से और जो सक्सेसफुल है उसके अनुभव से हमें यही चीज सीखने को मिलती है तो आप कोई सब्जेक्ट जब शुरू किए हो तो उसको एंड प्रॉपर कर लेना मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ नहीं तो आपके जो एक सर ने एक बात और कही वो आपके ऊपर होता है कि आपको प्रिपरेशन कितने लंबे समय तक ले जाना है और यही गलतियाँ हैं बेसिक तो डिसिप्लिन में कमी होना प्रॉपर चीज़ें आपको क्लियर ही होना कितना टाइम पे ले क्या चीज़ें बनाऊँ उसमें दिक्कत यही आ जाती है सब्जेक्ट शुरू करो तो प्रॉपर उसको एंड कर लो प्रॉपर टाइम से एटलीस्ट ये बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट की शुरुआत कौन सी करनी ये भी पता होना चाहिए क्योंकि आपको पैरेलली थोड़ा न्यूज़पेपर समझ में भी आना चाहिए आपको पॉलिटी इकोनॉमी या बेसिक ज्योग्राफी या इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो न्यूज़पेपर में आप फिर इधर उधर हो जाओगे तो इंटरव्यू की कहानी आपको याद आ गई होगी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है उस चीज़ के लिए आपको नॉलेज लेने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पढ़ने के लिए पहले आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा डिसिप्लिन के बाद आपकी बात आएगी शेड्यूलिंग की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं हमेशा कहता हूं कि जोग्राफी पढ़ते या कुछ भी पढ़ते समय मान लीजिए किसी ने पूछ ही लिया क्लाइमेट चेंज का रिस्पेक्ट तो आपको मेरी एक लाइन शायद किसी बच्चों को फेमस मतलब पता होगी पूछ लिया आपसे कि बेटा क्लाइमेट चेंज से और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं या उसको संभालने के लिए क्या होगा अब आप इंटरव्यू बैठे हैं तो आप क्या कहोगे पेड़ लगा पेड़ लगा दो बोले दो तीन पेड़ लगा दो और लगा दो आप पेड़ इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आप और अब आप सोचो कि यदि क्लाइमेट चेंज के सारे पर्सपेक्टिव यदि आपको देखना है मतलब आप पोलर वर्टेक्स तक जाना है सडन स्टेटोस्फेरिक वार्मिंग तक जाना है तो सर बिना पड़े काम होगा नहीं पर तैयारी नहीं की हमने दहेज प्रथा की बात कर ली मान लो इंटरव्यू में तो आंसर दे रहे हैं आप लोगों को आगे आना पड़ेगा लोगों को आगे आना पड़ेगा प्रॉब्लम आप समझो ना कहाँ है तो शेड्यूलिंग थोड़ी बेहतर हो मतलब मैं ये हर दिन की बात कर रहा हूँ जो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से तो इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपकी शेड्यूलिंग वगैरह प्रॉपर हो जाती है सब्जेक्ट का कंप्लीशन ही हो जाता है कल भी मैं स्टोर पर बैठा था लर्नर आए और वो बहुत कॉमन डाउट है और मतलब सबके साथ होगा मैं बता रहा हूँ आप भी हैं मतलब मैं आपको भी कह रहा हूँ आपने दो तीन सब्जेक्ट पूरे कर लिए आप तीसरे चौथे सब्जेक्ट पे जब पहुंचोगे ना तो वो पुराना भूलने लगते हो आप ये बात से आप लोग सहमत होंगे शायद क्या कमी रह जाती है ऐसा क्यों हो रहा है पता सब है आपको फिर आप क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं आगे के जब सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हो ना तो नो डाउट उस पर आपको काम करना है एक छोटा सा काम है पुराने जो भी सब्जेक्ट हैं उसके एमसीक्यूज आप साथ में करते रहो यार एमसीक्यू से डर लग रहा है बच्चों सच्चाई सामने आ जाएगी मेरी नहीं बना क्यों डर कैसा दो महीने तुमने पुराने खराब किए सब्जेक्ट में और अब एम नहीं बन रहा है तो बड़ी मतलब ईगो पे आ जाती है बात और उसको छुपाते छुपाते अगले सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं देखो सच बता रहा हूँ मैं सच्चाई है ये तो आपका एक बेसिक नियम होना चाहिए कि मेरे जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके मुझे क्या करने होंगे एम लगाने पड़ेंगे और एम ही क्यों कह रहा हूँ मैं अभी फिलहाल प्रिलिम्स के लेवल पर यदि बात करूँ तो मैं मेन्स का भी बताऊँगा आपको क्यों कह रहा हूँ एम एक तो आपका ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा सही कर देगा और जो गलतियाँ आप आगे भी करोगे ना वो सब पहले हो रही हैं आपकी पर उसमें भी वो डिमोटिवेशन आ जाता है मेरा तो क्वेश्चन गलत हो गया मेरा तो क्या होगा जीवन ऐसा हो गया मतलब सर कहते हैं ना कि मैं तो गरीब हूं मुझे आ, इंडियन आइडल बना दो वहां अलग अलग थॉट में चले जा रहे हैं हम लोग मत करो ये मेंस में भी आंसर राइटिंग में भी मान लीजिए अब मैंने कहा कि बेटा आज से आंसर राइटिंग शुरू करते हैं अपने मेरा चेक कौन करेगा आंसर मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूं ये कौन देखेगा ना करने के दस बहाने निकाल रहे हैं हम लोग और ये मेरी बातों को बुरा तो नहीं लग रहा है किसी को नहीं लग जाए भले हाँ आप चार पांच घंटे ज्यादा पढ़ना उस चीज का अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको परफेक्ट आंसर लिखना है एट्टी नाइनटी परसेंट ऐसे लर्नर है लिखना पहले तो सीखना पड़ेगा आपको पिछली बार में मैं बोल के गया था आज फिर बोलूंगा कुछ मत करो यार एक कोई भी एडिटोरियल को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास तो करो उस डर को तो पहले हटा लो फिर तो आप एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के बाद शुरू ही करोगे आंसर आइट और कायदे से आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से एटलीस्ट थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए क्योंकि लिखना और सब्जेक्ट की वोकेबलेरी में दोनों अंतर होता है मतलब आप लिखते समय तो कुछ भी लिख सकते हैं बट सब्जेक्ट की भी तो कुछ वोकेबुलरी होती है यार तो पहले अपने कुछ जो बेसिक डर है उसको हटाओ आप लोग समझ आई मेरी बात तो डिसिप्लिन के साथ वो जो आप शेड्यूलिंग बना रहे हो ना उस पर थोड़ा स्टिक रहो और आ, हर दिन मुझे मालूम है कि अपने आप में समस्या है सारी चीज़ें हैं सब सर सब सबके साथ समस्या है सब स्ट्रगल कर रहे हैं पर बात है ना कि कौन उससे आगे बढ़ गया है तो ये चीजें प्लीज आप लोग सब लोग ध्यान रखना कि ये शेड्यूलिंग जो बना रहे हैं आप कंप्लीट हो जाए और इतनी बनाओ कि मतलब हो सके पहले वो वाली जिम वाली बात हमेशा होती कि आज जिम गया देखने गया जोश में दो दिन कर लिए परसों वही लेके आ रहा है आपको ट्रेनर घर छोड़ रहा है ये यही हो रहा है शेड्यूलिंग इतना शेड्यूलिंग कर लिए कि पता नहीं क्या है मत करो ये सब कुछ सब्जेक्ट रखो अपने दो तीन दो सब्जेक्ट लेके चलो साथ में या प्लानिंग वैसी करो और बस ये गलतियाँ ऐसी मत करो कि आगे के पढ़ते पढ़ते पुराने आप भूल रहे हो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी ठीक है दस पंद्रह सोर से भागने की जरूरत नहीं है कुछ जो सच्चाई है एम वाली वो करो बहुत ज़रूरी है सर ठीक है इसके बाद में दूसरी दो तीन बातें ये भी कहूँगा इसमें मैं कि अपनी जो मतलब मैंने जितने टॉपर्स वगैरह या जो भी लर्नर्स मेरे से इंटरेक्ट हुए जिन्होंने सिलेक्शन लिया मैंने उनसे भी जब पूछा था कि यार एक बेसिक आपका क्या पैटर्न होता है तो अपनी शेड्यूलिंग का मैं तरीका बता देता हूँ मैं ये नहीं कि सिर्फ शेड्यूल बना लो गए और चला गया मैं आपको काम की चीज़ें बता रहा हूँ आपको सुनना ध्यान से आप अपने हर दिन में ये एक पैटर्न निकालो कि आपके दो से तीन घंटे मोस्ट प्रोडक्टिव हो जो होते होंगे ऐसे कि बैठे हो ऐसे ही बैठे हो बस रहते हैं दो तीन घंटे तो निकलते होंगे उस समय आपको ऐसी चीज़ों को डालना है जो आपको थोड़ा कठिन लग रहे हैं या जिसमें आपको पूरा ध्यान लगाना है पहली चीज़ दूसरी बात रिविजन का जो टाइम है उसको रखो बहुत जरूरी है तो स्लॉटिंग भी आप अपने क्योंकि आप जरूरी नहीं कि सुबह छह बजे जितनी एनर्जी में थे उतने शाम तक रहेंगे ठीक है तो अपनी प्लानिंग कुछ इस तरह से करना कि जो भी कठिन सब्जेक्ट है जो उसको डर लग रहा है ये सारी चीजें लग रही उसकी स्लॉटिंग आप अपने आइडेंटिफिकेशन करो और ये गलत है कि रात में जो जागते हैं उनको दिमाग ये मतलब कम पढ़ रहे हैं नहीं आपको जो आपका जो क्लॉक कहता है जो भी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक हो उससे कोई दिक्कत नहीं शेड्यूलिंग ठीक से होनी चाहिए तो थोड़ा सेगमेंटेशन कर लो रिवीजन का एक पैटर्न कर लो सबसे आलसी वाला टाइम वो मैं तो कह रहा हूँ एमसी कूज लगाओ उस टाइम ये मैं मतलब जनरली आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप ये लिए सही हो बट ये करो तो स्ट्रेटेजी और ये सब चीजें ना आपको सर ले पांच सौ बार वाला जो बोला था बहुत कॉमन है सब पता है पर जो बेसिक चीज़ें है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है।, है आई बात समझ में और कोई ऐसा एक दो डाउट आपके दिमाग में आए तो मुझे बता सकते हैं आप मैं उस पर ध्यान दे सकता हूँ हाँ बोलो

नहीं भाई समझ गया दिक्कत ये हो गई कि चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं आप सब कैसे मैनेज करें वो वो तो ठीक है पर वो जो टाइम बहुत ज्यादा हाँ तो सुनो उसका वे वे सिंपल तरीका है ये भी वही शेड्यूलिंग का इशू है मैंने अपने से एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं हर दिन एक पूरी टेस्ट सीरीज लगाऊं क्योंकि मैंने ये काउंट कर लिया कि अभी तीन महीने तो सौ टेस्ट मेरे लगा लेने चाहिए मेरे को ठीक है तो उसका एक पैटर्न ऐसा अपना सकते हो आप कि आज टेस्ट लगा लिया आपने आपके दो घंटे चले गए हैं तो आप शांति से जो चीज़ें आपकी नहीं हो वो करो नेक्स्ट डे एनालिसिस का रख लो हफ्ते में पहले तीन से शुरू करो ना ये जिम वाले एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं इतना करूँगा कि फिर मेरे से हो नहीं रही है फिर डिमोटिवेशन मत करो अभी तीन से शुरू कर सकते हो आप तीन दो घंटे आपने यदि टेस्ट के लिए निकालें तो दो घंटे आप आज टेस्ट दे लो नेक्स्ट दो घंटे जो है नेक्स्ट डे आप उसका एनालिसिस कर लो हो सके तो वो अपनी गलतियों की एक कॉपी अलग बना लो ये काम करती है चीज़ें क्योंकि यही रिपीट आप आगे एग्जाम में करोगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है ना और कोई दिक्कत किसी को हाँ पूछो मैं बस दो तीन क्वेश्चन बोल ले रहा हूँ फिर हम उसके बाद मैं अवेलेबल हूँ आपको कोई डाउट वगैरह हो तो फिर बाद में पूछ लेना हेलो सर मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ नौर्म... अरे नॉर्मल क्यों बोलते हो यार तुम <laughs> सर तो वही समझा रहे थे <laughs> नहीं मतलब कहने रहे मतलग... नहीं क्यों आधा काम तो यही खराब कर लिया आपने नॉर्मल क्यों हो तुम तो? अच्छा गलत कह रहा हूं मैं न... अरे कठिन सरल सब हमने बना लिया है ओके So, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आ, आ, हम हम जब भी घर वालों से बात करते हैं कि हम यूपीएससी करना चाहते हैं हाँ. तो वो पहले ये कहते हैं कि पहले तुम तुम्हें तो निकाल दिखाओ फिर यूपीएससी <laughs> तो <laughs> so, इसीलिए मैंने कहा हम तो नॉर्मल लोग हैं नॉर्मल मार्क्स हमारे 50 परसेंट या फिर ऐसे 45 परसेंट आते हैं हमारे एग्जाम में तो हम सीधा यूपीएससी करने तो क्या हमें एसएससी करना चाहिए या पहले यूपीएससी करना चाहिए नहीं नहीं देखो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑन अ सीरियस नोट ये एग्जाम वैसा नहीं है कि आप अपने जीवन के साथ या एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है तो मैं मतलब इस स्थिति में हूं कि आपको भले ही समय लगे आप एक हफ्ते घर वालों से आराम से बात करो इस चीज को लेके समझिए ये ऐसे नहीं होगा कि सर बोल देंगे कि बेटा आई करो तो आज घर से फोन काट दिया बंद कर दिया और आई एस करूंगा बनूंगा तो ही घर जाऊंगा ये जो पैटर्न है ऐसा किसी के साथ है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंस्टेड ऑफ एक साल आप पहले एक हफ्ते इसी पे काम करो और आज क्लियर हो लो घर वालों से बात करके द रीजन इज भैया आगे एक दो साल पहले आपको सपोर्ट वहीं से मिलने वाला है मैं भी नहीं कर पाऊंगा कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा मैं सिर्फ शिक्षा में कर पाऊंगा तो वो प्लीज पहले घर से एक बार शांति से बैठ के बात कर ले चीजें क्लियर कर आपका हो सकता है काम बड़े चीजों को समझाने के लिए दोनों को बताने के लिए हो सकता है दोनों के रिजल्ट के बाद की चीजें आपको बताने में समझ मतलब टाइम लग जाए पर उनको समझाओ बता सकते हो तो पहला काम अब आपका यह तैयारी से भी पहले कि पहले क्लियर है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हर दो तीन दिन बाद चार दिन बाद ये प्रॉब्लम आपको और फिर आपकी प्रिपरेशन खराब हो तो एसएससी भी करो तो ढंग से करो आप मेरा मतलब ये है 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 है। ना ठीक थैंक यू सर सही बात है, सही बात है, सही बात देखो दो सब्जेक्ट मैं जनरली इसलिए कह रहा था नॉर्मली आप कोचिंग यदि ऐसे ऑफलाइन में जाओ आपको एक स्टार्टिंग की बात होती है जैसे मतलब कोई नेसेंट लर्नर न्यू लर्नर है और अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा होता है लिटरली कई बार स्कूलिंग वगैरह पे डिपेंड करती इतना झेल नहीं पाते हम लोग तो हमें चीजों को हमने ऑलरेडी हम क्रिएट कर लेते हैं कि यार मेरे से एक ही सब्जेक्ट होगा और ये कर लूंगा मैं शुरू करो आप एक से बट थोड़ा थॉट -थोड़ रखना पड़ेगा सच्चाई क्या है सच मैटर ये करेगा लास्ट डे की एग्जाम के पहले आपका सिलेबस हुआ कि नहीं फिर उन्हें तो वही होगा कि मैं तीन तीन साल जोग्राफी ही पढ़ रहा हूं बस <laughs> सच्चाई वही सच्चाई कह रहे हो आप तो मैं खत्म करने का तेज चलने को नहीं कह रहा हूं मैं प्लान वे में कह रहा हूं बट ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज वैसे सेट करनी पड़ेगी और यदि आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो दस बारह घंटे तो आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से और जरा आप दस बारह घंटे को ठीक से प्लान करोगे तो मेरे हिसाब से चीजें बन सकती दो सब्जेक्ट ऐसे भी कि एक सर कोचिंग जा रहे हैं आप वो पढ़ रहे हैं तो एक पुराना को साथ में लेके चलू मैं उसके एम टी क्यू एम सी क्यूज कर लूँ ये सारी चीज इस तरह करना पड़ेगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच और एक लास्ट बात आपसे कहूँगा यही कि गुड आफ्टरनून सर अरे बोलो सर मेरा क्वेश्चन है मैं थर्ड ईयर में हूँ तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ड्रॉप ले रहे हैं लाइक like, मतलब ड्रॉप ले लेते हैं एक साल और फिर एक साल प्रिपरेशन करके फिर एक ही बार में फोर देंगे तो <laughs> तो मैं भी लाइक uh, एम like, करना चाहती हूँ बट फिर मुझे लग रहा है कि मेरा कहीं नहीं होगा या फिर कहीं प्रिपरेशन में कैसे होगा तो इसलिए थोड़ा इस पर आप बता तो मतलब इस... आपको तैयारी करनी है नो सर बट बहुत वहाँ पे देखो सिंपल है मतलब ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है आपको पता है कितना टाइम लग रहा है उतना टाइम आपको एग्जाम मतलब तेरह महीने लग रहे हैं एग्जाम तो वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा अब वो आपको कब निकालना है कैसे निकालना है रही बात कि आगे पढ़ना है क्या करना है तो मेरे हिसाब से मतलब जॉब करते करते चीजें हो सकती हैं तो हर सिचुएशन में हो सकती है और आप तो पढ़ ही रहे हैं थैंक यू सर है ना चलिए थोड़ी मतलब ये है कि हर दिन एक आइडेंटिफाई कर लेना चीज़ें लास्ट बस एक काम की चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए काम नहीं कर रही है ना इस प्रिपरेशन के मोड में ना उसको ज़्यादा दिन घिसना मत ऐसे उसको चेंज कर लेना जो चीज़ काम करती उसको रखो बस ये बहुत प्रॉब्लम है नहीं तो लंबे समय तक यही चलता रहेगा इन्वायरमेंट पेड़ों से भी तो हम ये सीख सकते हैं ना कि पेड़ अपनी पत्तियां बदल सकता है जड़ें नहीं बदल सकता है, है ना तो इस बात को ध्यान रखो आप लोग थैंक यू थैंक यू दर्शन सर मैं देख रहा था मैं जहाँ पे भी बैठा था आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसके बाद जो आपका आंसर होता है वो काफी सारे लर्नर्स पीछे से बोल रहे थे अब ये आंसर होगा अब ये होगा तो दिस 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 शोज हाउ मच लव एंड अफेक्शन लर्नर्स हैव फॉर यू मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आतिश माथुर सर को जो हमें बताएंगे अन ऑफलाइन सेंटर के बारे में आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे I will be talking to you about three things in the opening remarks of this particular event. The first is to make you truly understand the career that you've chosen. We will then understand why the preparation for this exam will change you as a person. And thirdly, and the final element of it would be to explain to you how for the last 10 months some of the finest minds in the country have come together and have created truly an extraordinary curriculum on how this preparation should be delivered to you. Okay? So let's begin. Is everybody comfortable with a little bit of English? Yes, a little bit of Hindi on the side. Just to spice it up? Yes? Sure. But English is dominantly okay? Yes? All right. In a district, in a state, I will not name the district, I will not name the state for confidentiality purposes. In a district, in a state, a 14 year old girl gives birth to a child. A fourteen-year-old girl gives a birth to a child. She's married to a boy who's twelve years old. The boy and the girl come from a specific section of society. The sarpanch of the village. Gives you a call and tells you this is happening. And the child has been delivered at a government hospital under the care of, you would have heard of healthcare functionaries such as Ashas, underage marriage, rape by statute. And you have to take the call, you have to prepare a report. And take a call on what needs to be done. This is what you are signing up for. Situation number two. Right to education, everybody's heard of? Very good. So, one of the implementation provisions of the right to education is. That the districts have to get uniforms stitched for the students who are being given a coverage under right to education. Everybody's aware of this? Or generally, we understand what right to education is? Very good. Now, as the district administration, you decided to empower the women in your district and you told them. Why don't you stitch the uniforms for the students who have been given RTE in our district? These women groups are called self help groups. You would have heard of them. Yeah? Yeah. Now, these self help groups subcontract it to a tailor, they don't do it any, themselves. Now, you have to take a call on whether you balance uplifting women. Or the true purpose of the scheme. This is your job. Your district is hosting one of the largest cultural festivals of this country, where lakhs and lakhs of people across the country are going to be coming, apart from the dignitaries of the sort from the highest to the very lowest from accommodation to security to sanitation to health to compliance you run that entire cultural festival that is your job when i was just talking to you a few minutes ago i was jokingly referring to a scheme called antodaya anna yojana right you would have heard of another scheme under which people are, are given houses or money to construct houses. yes? Anybody is, anybody is aware of what that scheme is? yes? it is one of the most well-funded government schemes. in your district, you will be on a tour. And you will go visit that house for an inspection. What that person in that house is going to do is going to stand on the road with a shackled accommodation in front of you and, and will tell you that we need the funds, we don't have a house to stay. Your presence of mind, you will ask the person, we will immediately get you on the beneficiary list. Can you just give us a missed call from your phone? The person will take out his or her smartphone. And if you have a smartphone, you are not eligible for that scheme. You have to decide who gets the benefits of these multi million dollar schemes that the government is executing in your districts. Understood. How will you identify a beneficiary? How will you force a person to show do you have a smartphone? Do you have a refrigerator at home? Do you have a TV at home? This is what your job is going to be for at least the next nine to ten years. Housing, health, infrastructure. Women, education, children, development. The, the list of departments is countless. That is your job, ladies and gentlemen. And if this is your job at the district level, just imagine what your work is going to be at the state and at the national level. This is why you're here. Clickbait, entry exit of IS officers. All of these people, when we call the civil services the backbone of this country, the steel frame of this country, this is why we call them that. for two months in your life you will survive on 3 hours of sleep on a daily basis because you are responsible for conducting national and state elections in your district each district will have at least at least 7 to 9000 polling booths and each of these polling booths have to be categorically created as per the Election Commission Manual. Contestants wanting to become MPs or MLAs will come to your office with their nomination papers. You decide whether you accept their nominations or not. You are why democracy exists in this country. So, for those of you who are enamored by the social media portrayal, you must understand that the work you're going to do is going to change the course of this country. Heard of Google, everyone? Yeah. Google's first offshore office anywhere in the world was set up in Hyderabad. Was set up in Hyderabad. A senior ranking government official at that time called Krishna, he frequently writes in the newspapers also, was the man behind it. He executed a memorandum of understanding between Google and the government at that time and set up the beginning of what are called the IT revolutions in the country. Today, Bangalore, Hyderabad, Pune, Gurgaon, Noida. India today becomes the largest exporter of IT services in the world. Because of you guys, you are responsible. A great political philosopher, historian, a Nobel laureate, Spider Man, once said, With great power comes great responsibility. What you have is more responsibility than power. We're very fortunate. To have someone who's cleared the exam with us today. Everybody who's cleared this exam is the very epitome of hard work. And that hard work never stops once you've cleared the exam. From IT to health to education to civil aviation. India managed the COVID pandemic almost flawlessly because of whom? You. When the Indian Railway started a train from Delhi to take migrants to Patna, it was the district administration in Patna who was responsible for receiving them, screening them, shortlisting them. Sending them to different districts and sub districts, isolating them, giving them all the care. Not only did we vaccinate a record number of people in the world, we sent vaccines to countries all across the world. We are the birthplace of what is called vaccine diplomacy. Yes? So, what you've decided to be a part of is much bigger than you and me and your family and societies combined. You've decided to become a part of nation building. Do we understand that? So, the second you've decided that you will prepare for the civil services, act like that. Become like that. That is the essence. That is what we are talking about. You'll have to take a lot of very, very crucial decisions. If the legal age to get married in India is about 21, what if you get a call at 11 o'clock at night saying somebody is getting married and they're 20 and a half years of age? What are you going to do then? For six months, ruin the reputation of a family in a village? How will you handle it delicately? When somebody comes to you with an estimate of 10 crores to build a road, don't you think you need to know how much the cement costs? Yes? Don't you think you need to know what your labor cost per day is? Yes? From knowing the cost of tar and tarpaulin and cement and basic of construction to knowing something as nuanced as artificial intelligence. If you seek variety on a daily basis, if you seek diversity of work, there is no greater career than a career in the civil services. Yes, aaya? And we don't have to look at a career in the civil services only till the district level. That's just 10 years. We've got to look at it for the next 35 years. As the Director General of Civil Aviation, you are responsible for coordinating evacuation flights whenever there is a crisis in the Middle East. That is your job in the foreign services when taliban took over in afghanistan foreign services officers were sent overnight and they coordinated rescue rehabilitation in kabul risking their lives and then they came back as a proud third generation person whose parents and whose uh, grandparents and whose siblings are in the armed forces i can tell you this if the armed forces is patriotism, there is also equal patriotism in the civil services, and you've got to think of it like that. Clear? So, when you've decided to pick up, or you've decided, or you're deciding, this is what you're deciding. Greatness or aha moments. Happen once in six months. Your name in the quote unquote holy PDF will be on that day. But to come to that day, you will have 365 days of relentless labor. Yes? It's, Rome was never built in a day, was it? It wasn't. Now, hard work does not mean that you become a saint. And you sit in the Himalayas, meditate for 12 hours, you let go of all worldly possessions, have a balance. It's very important for you to balance. Study for those hours, take a break every week watch a movie not two one have a circle have friends have friends who are doing the same thing as you and have friends who are not doing the same thing as you so that you feel a sense of perspective whenever you start preparing for civil services you don't tell anyone you're preparing for civil services right nazar lag jayegi

You have to spend those hours, study, take a break, have a balance, and you will be fine. Clear? So remember this. And why does this become important? If you can't handle 15 subjects in your syllabus, how will you handle 15 departments at the district? Basic maths. And that's how we've designed the curriculum for you. Prioritized it. The way we are going to execute the curriculum. We will not teach you IR before we've taught you world history. It's that simple. We will not teach you more than two subjects a week so that you don't go crazy. That every day seems like a roadie's audition and finally it is an honor for all of us that you've given us your time and on behalf of this country and not just an academy i thank you for choosing a career in the civil services i thank you for serving the country most people in the country don't have the courage to do so thank you so a round of applause for yourselves Stand up and clap for yourself. Stand up. Everybody stand up. Clap for yourself. This is for you guys. Very good. din? With that, ladies and gentlemen, I thank you for your time. I'll invite your host back. Thank you. Thanks, Adishar. उसी के साथ मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा एम पुरी सर को जो हम सभी को ब्यूरोक्रेसी के कुछ एनेक्डोड्स के बारे में बताएंगे सर का 20 साल से भी ज्यादा पढ़ाने का अनुभव है एक अमेजिंग स्टाइल में सर पढ़ाते हैं सर प्लीज थैंक यू थैंक यू ऑडिबल बैक देव गुड Actually, I have become a little nervous after listening to Mr. Patel. So, I've been teaching for the last 20-25 uh, years now. But after listening to Mr. Patel, I feel I know nothing. So, I was at my bit with all respects, sir. That, that is quite true. So uh, that's true, the kind of analysis he has done about what kind of mistakes that civil service students do on a regular basis. But I could understand every, all of these mistakes. I've seen students doing it, but I could not put it in the kind of analytical framework that he has done. Uh, amazing, brilliant job by him. Right. Achha, now, on account of the fact that I have said that I have become a little nervous, so if I say something which attracts the UAPA, so I would request the unacademy people who dena, here. Okay And request to you people don't record everything I say. Correct. And secondly, because you know uh, uh, I' known amongst my colleagues as in when you become a civil servant, okay? So there's much much a slip between the cup and the lip, or a lot of work has to be done there, right. So he talked about your responsibilities and the fact that every civil servant is expected to focus more or less on the authority aspect and uh, or the power quotient of civil services, and more obviously on the responsibility angle of it. Right? I agree with him fully. But do we actually see that happening? Is that the way the bureaucracy actually works? There is there's a huge gap between expectations from our civil service and bureaucracy and what actually the uh, civil service actually does. Right? So just to give you a few instances, you know how the civil service works. Uh, back in the year, uh, I believe it was the early 1960s, when uh, uh, John F. Kennedy, the president of America, who was assassinated, very the conspiracy theorists say it's probably by the CIA and all those things, but I don't believe in that thing. Anyway, so he was he was a uh, short-term president of uh, United States. So uh, his brother calls him up. Robert Kennedy was his brother, I believe. So he calls him up one day and tells him that okay, when I am going to my office on a regular basis, there is a signpost that comes on the way when I am driving my car in that direction. The signpost says CIA headquarters with an arrow marked over there, Langley, Virginia. I believe you know where the CIA headquarters are. Uh, how do you know that? Because you've seen too many Netflix series, right? So anyway, all the movies, CIA headquarters, Langley, Virginia, right. So everybody knows the headquarters of uh, uh, your CIA are in Langley, Virginia only, right? And there is a signpost over there that says, this big billboard says that with, a, uh, with an arrow pointing in the direction. So Robert Kennedy called up his brother, John F. Kennedy, who was the president at that time. Hey, everybody knows where the CIA's headquarters are, but then do we need to really broadcast it to everyone? This is, this is actually the heart of our intelligence community. So uh, he was able to convince his uh, president uh, brother to have that uh, placard removed, have that billboard removed. So, John F. Kennedy called up one of his clerks, one of his assistants or secretaries, whoever he called up, please have it removed. Next week, his brother calls him again. That placard, that billboard had not been removed. The president had ordered it to be removed, it was not removed. And then, uh, naturally, uh, the president, being uh, busy as he is as an, as an individual, so uh, he called up someone else and gave the direction to have it removed by this time. A couple of weeks later, the same call comes again from his brother, the placard. The billboard is not removed. This time John F. Kennedy tells his secretaries, his bureaucracies, his bureaucrats, if this is not removed, for the third time I'm asking you to do that, if it's not removed now, so heads will roll. It was removed. What lesson did John F. Kennedy learn that day? That if you want the bureaucracy to follow the order, repeat it thrice. Teen bar bolo. सी दिस इज द सेम ब्यूरो चीफ मिनिस्टर इज सपोज टू विजिट योर लोकेलिटी योर सिटी योर विलेज वेद रोड आर इन अंडीशन आपको पता ही गाँव में सड़कें कैसी होती हैं ओवर नाइट टू परफेक्शन दैट रोड इज बिल्ट That means fundamentally, this bureaucracy of which you people are going to be a part is a system which is functional. But it has to be made functional. And the problem is that our bureaucracy is hemorrhaging from the inside. That hemorrhage is on account of possibly, um, uh, of course, the, most, the biggest canker of our bureaucracy is the corruption aspect of it, the distance maintaining tendency, the colonial mindset, the colonial behavior. The structures of our government are entirely borrowed from the British times. We leave no opportunity. To somehow deride it, somehow you know run it down, somehow disparage it, it executes that road, it builds that road, which might not have been built in the next five years in 24 hours overnight you'll see workers and all those bulldozers so anyway, the bulldozer etc will come, and you know overnight that uh, that particular road would be. In perfect and pristine condition. And I can say the same thing about the elections in India. There was a time when the elections used to be held at the, uh, at the uh, sometimes at gunpoint also. There was a lot of, elections used to be, outcomes used to be decided uh, uh, through the bullet, not the ballot. But that those days are well and truly behind us. Insofar as your assembly and Lok Sabha elections are concerned, today we don't see the kind of violence which was reported in earlier days. By and large, these elections are fair. And for 140 crore people, so 140 crore people is the whole population, around 90 crore voters all across the country this is the same bureaucracy that executes this such a grand exercise of the kind which is not which has not been experimented with anywhere in the world it executes it to perfection it's a functional system but it is hemorrhaging internally and when you people will be a part of this what will happen is indian polity and governance for general studies but i also teach public administration and paper 1 in political science right so if you take any of these optionals in any case you know, if you take my if if you choose to join our uh, GS paper 2 course I'll be taking the polity and governance part over there so these aspects of the working of the bureaucracy with some more anecdotes like the one I just related they will be a part and parcel of the way I teach and uh, that will keep you engaged uh, um, as well right I cannot at this juncture, obviously, go into the details of how uh, uh, GS Paper Two is to be prepared, right? Because that that, that is actually my first lecture when I start my uh, lectures of uh, GS Paper Two. That's my first lecture. It takes around two to two and a half hours to finally give you uh, to give you a position where you can come to grips with the entire idea of uh, how to prepare for general studies. I can't do it in two to three minutes, right? And this particular whatever I have, uh, as I said, I will keep it brief. I think I have gone beyond my uh, limit over here, so. Um, well uh, thank you for bearing with me right and, uh, and i can show you one thing of the entire educator lineup that we have here if you people appreciate them i'm actually envious of them the kind of hard work they have put in the kind of uh, experience these people actually have right think i have taught for a long time that uh, always uh, uh, imbued with a sense of uh, there is an interesting term called seniority isn't that right you're the senior teacher senior most my, my definition of seniority is not in terms of how many years you worked at a particular subject my uh, because a, a person's 20 years experience could very easily be one year's experience if you did 20 times you can imagine what i'm saying right so any which way all of them they are doings of their subject i'm pretty sure that uh, the way they have uh, the reason why i'm able to call them that that itself is testimony to the fact that they have done very well in their own subjects

शाश्वत सर को इन्वाइट करेंगे जो यूपीएससी 2021 ऑल इंडिया रैंक 34 है जैसा कि कहा जाता है सफल लोगों से सीखिए सफलता के गुण तो हम उनको इन्वाइट करेंगे उसके बाद आप लोगों से बातचीत करने के लिए सुदर्शन सर आएंगे उसके बाद अगले जो कुछ मिनट होंगे उसमें सभी ऑफलाइन के एजुकेटर्स स्टेज पे होंगे जिनसे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं आपके मन में भी काफी सारे क्वेश्चन होंगे तो उनको आप पूछ सकते हैं मैं आगे बढ़ू उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लर्नर्स 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है एनअकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है हमारे पहले बैच की शुरुआत थर्टींथ ऑफ फरवरी से हो रही है यूएसपी आप देख सकते हो पूरे सिलेबस को 800 से भी ज्यादा जीएस अकेले को कवर कराया जाएगा वन ऑन वन मेंटरशिप है एक, एक, एक डाउट शायद आपके मन में होगा कि वी 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 विल बी अटेंडिंग द क्लासेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स लेकिन क्या हमें जो ऑनलाइन अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म रहता है उसका एक्सेस भी हमें मिलेगा कि नहीं आप यहाँ पे अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे होंगे जोग्राफी जो है हिमांशु शर्मा सर के साथ में आप पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री पीयूष यादव सर मैं भी आपकी कुछ क्लासेस लूँगा आप पढ़ रहे होंगे पुरी सर के साथ इंडियन पॉलिटी सोशल इश्यूज आतिश सर के साथ में आप पढ़ रहे होंगे विवेक सिंह सर के साथ में इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ रहे होंगे एथिक्स अतुल गर्ग सर के साथ में और आप पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स चंद्रमौली सर के साथ में लेकिन आपको इस पूरे अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ में जो आप ऑफलाइन इनरोल करते हो आपको उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी मिलता है मतलब जितने भी एजुकेटर्स ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं अनकेडमी प्लस अभी करेंट प्लेटफॉर्म है उसका भी एक्सेस आप सभी को मिल जाता है तो अनलिमिटेड एक्सेस टू द अनकेडमी आई एस प्लेटफॉर्म बेसिकली ऑफलाइन क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो और पूरा एक्सेस उसका रहता है देट आर टू एट क्वाइट अफोर्डेबल प्राइसेस आई थिंक द अलीबर्ड ऑफर इज टेन्फ्थ ऑफ फेफ एंड द प्राइजेस आर क्वाइट अफोर्डेबल नाइनटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड आई थिंक दिस ऑफर इज लिमिटेड टू मरो और इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि फिफ्थ से लेके पूरा आपका जो टेंथ तक का स्केड्यूल है कुछ डेमो क्लासेस है जैसे कि आप कल मृणाल सर के साथ में सुबह ग्यारह बजे एक सेशन अटेंड कर सकते हैं जो बजट एनालिसिस के बारे में होगा ऑल ऑफ यू कैन अटेंड इट मतलब सीटिंग कैपेसिटी तो वहां पे लिमिटेड है सो आई वुड रिक्वेस्ट आप वहां पे आए थोड़ा जल्दी ग्यारह बजे सर कल बजट एनालिसिस सेशन राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक 100 मीटर दूर ही एनअकेडमी का ऑफलाइन सेंटर है वहां पे आके आप बजट एनालिसिस सेशन सर के साथ में ले सकते हैं आई वुड वे तारीख को आतिश महतो सर विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इफेक्टिवली रीड इन न्यूज पेपर एंड प्रिपेयर फॉर करेंट अफेयर्स सेवेंथ हिमांशु शर्मा सर विल टेक अ ओरिएशन सेशन ऑन जोग्राफी विवेक सिंह सर विल टेक एन अमेजिंग सेशन एंड ओरिएंटेशन सेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी ऑन एट अतुलगढ़ सर विल बी टेकिंग ऑरियंटेशन सेशन ऑन एथिक्स ऑन एट नाइन्थ को वी विल डिस्कसिंग अबाउट इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड फ्रॉम थर्टींथ एमपुरी सर विल भी स्टार्टिंग यूर फाउंडेशन बैच ऑन इंडियन पॉलिटी फ्रॉम इंडियन पॉलिटी तो ये जो पांच से लेकर नौ तारीख तक का पूरा जो प्रोग्राम है इट इज ओपन टू ऑल एनी वन कैन अटेंड इट बट ऑफकोर्स देर आर लिमिटेड सीटेड आई आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप में से अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है क्योंकि Uh, काफ़ी सारे लर्नर्स ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने रजिस्टर अभी नहीं किया होगा तो आप अभी नहीं कर पाए आप जाने के पहले कर लीजिएगा तो वी मेक दिस पॉसिबल फॉर यू सो दीज ऑल द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम टमोरो इलेवन एंड इट इज ओपन फॉर ऑल एंड लाइव बैच इज इज स्टार्टिंग फ्रॉम थर्टीन ऑफलाइन बैच नाउ आई वुड रिक्वेस्ट शाश्वत सर To please come on stage. Uh, All India rank 34, 2021 exam, 2022 maybe sir 300 plus rank thi. So he had made uh, for the second time in this examination. Uh, good afternoon, uh, yes, everybody. Yes. Thank you for uh, taking our time to come attend this uh, beautiful session. Uh, my name is Shashwat. I am an IS officer of the 2022 batch, presently training in Masuri. Uh, the views expressed here are personal. I do not, uh, I'm not speaking for my service. So, this is all my personal experience sharing with all of you here. And I do enjoy such sessions because it keeps me connected with the places uh, from where I have come to this side. And it also humbles me a lot to see so many of you present here today. So, thank you so much. Uh, I'll give you a small background about myself. Uh, then, I'll speak about the motivations of why. Uh, IS is a great role, adding to what Atish sir had mentioned. I'll talk about discipline and motivation, I'll talk about having a plan B, and I'll talk about the role sports had in my journey. So, 4-5 pillars quickly, around 15-20 uh, to 20 minutes, please bear with me. I know it's lunch time, but uh, I'll try to be crisp. So, uh, I come from Haryana, a district Bhivani, and uh, I studied till class 5th there, then I moved to Delhi, I did my 12th, I did engineering from Bitspilani. Later, uh, after my engineering, I had no plans yet to write and appear for the civil services. So, I was working as a product manager with Microsoft, and uh, some of my friends were preparing. So, motivation for me was about moving to a larger picture. As Sir mentioned, I was working in a very niche segment in the corporate, and I thought I could contribute much more looking at the things around me. So, I thought I'll come in the process, I'll maybe write a couple of attempts, see how things go. But it was never uh, like a matter of life and death for me. So I feel that helped keep uh, the stress and anxiety levels under control. It came as a blessing. I'll talk about having a plan B. So uh, I was really underconfident when I started my preparation. Uh, narrating a small incident, the first time I wrote my prelims, I got into Defense Estate Services. I, I was ranked 320. I reached the wrong center 20 minutes before the exam was supposed to start. And most of us would panic that one year wasted. I was happy that one attempt but Jagger because cleared the exam. That is how underconfident I was. I ended up clearing it, and uh, I ended up clearing it by one mark. So there's a lot of luck that went inside my selection, but it came after hard work. So hard work is something which is non-negotiable for this examination process. Uh, moving to the second part, discipline. So, a lot of us talk about motivation. We seek motivation in different things, in different people, in different toppers. I was also like that. But, some piece of advice that changed my course of preparation was focusing on discipline over motivation. Motivation is something which you might feel for some time listening to all of us speak here, but it wouldn't last. You have to convert it into a cycle of routine or discipline which will overlast. The motivation which might run dry at times. So, this can be something as simple as fixing your study hours, uh, maybe fixing a study schedule as are mentioned. It can be something like having a routine of going for an evening walk or sport. So, all of that discipline adds up and completes the larger picture. This is something which will outlast you even after you're on the other side and you're a part of the services because time management will always be a challenge, be it uh, as an aspirant as an officer or an alternate career altogether the educators we have with us here they have uh, very busy days too they manage so many students they have their personal lives but it's it's something which connects all of us so i would uh, just urge you to find some some sort of uh, discipline in your lives uh, third part i'll talk about is having, having a plan b so i didn't quit my job because I was not confident of clearing this examination. I looked at the odds, but once I'm on the other side, I believe it can be done provided you find the right guidance, you find the right discipline. These things are much achievable. So, plan B helps you. It can be a job, it can be a part time job, it can be an academic job. I feel that firstly, it helps you financially. If uh, some of us, including myself, you come from a background where Finances are something which affects your preparation in a negative way, you can get a part-time job. Secondly, I feel it gives you confidence. It doesn't let you have a gap on your resume that if you don't clear this exam after two attempts, three attempts, a lot of us find ourselves in positions where we don't know what to do now because we put all our eggs in one basket. So this is this is another reason why I would suggest you have a plan B, you set a plan. If we are studying full time for this examination, that's perfectly all right. But you can, since all of you are mostly beginners, it's totally fine to get into the preparation. Most of us clear it like this. But after you reach a threshold of uh, information, I feel keeping abreast with that information, but also exploring alternate careers, does relieve you of a lot of stress. Uh, I would like to talk about sports and uh, physical activities. So I feel that i'm a marathon runner and i i played three uh, basketball nationals for delhi so i feel sports has been a very integral part of my life and uh, nobody studies for 24 hours if if you can find half an hour 40 45 minutes of your day where you leave your phone at home or just maybe listen to a podcast while taking a walk or run that really refreshes your mind uh, that energizes you for the next study session that keeps a sense of routine in your lives plus of course everybody wants to look fit and good so Keeping that in mind, I would uh, urge uh, that half an hour, 45 minutes a day are uh, non-negotiables. Play badminton, go for a run, go for a walk, do yoga. All these things will be a very uh, will will play a positive role in your preparation. So uh, I'll also speak about how life changes from being an aspirant to being an officer. Uh, I feel it's a dream come true. All the people associated with me, my family, my friends. Uh, people who supported me my teachers it's a proud moment for all of us and it's a very uh, it's a lot of responsibility as i rightly mentioned so all of us in the batch do feel that responsibility we feel proud to be a part of this service and we need people who are here to make a change to make a difference so i feel the process uh, matures you a lot the, pre the preparation process of course the training process so it's a beautiful journey that you guys have come on it's uh, like just be happy be cheerful all throughout it's it's not the end of the world but right now till the time you are in it you are in it to win it so just uh, be careful about those things and uh, like my best wishes to all of you for this i'll take some questions if uh, maybe 3 4 questions if somebody has some particular questions yes yes please we have to focus on one cook we know very Thank well you. but we have to focus on which content somebody says that you have to relate with your Flavors, mm -hmm. but at that point of time we can't relate. We Get panic at some time. Yes. So, sir is asking the right question that which resources to follow. See, most of the study material essentially emanates from social sciences, and that is the base on which all the study material is built upon. So, the idea is not to see which one to pick. You can commit to one study material, but then you commit to it. Like that beautiful picture which Mrinal sir had put there. That PYQs you need to keep close. So, keep that source close and let other sources go. So, you can choose any source, whichever the top is mentioned, the educators here mentioned, everything is good. So, it's about that. just wanted to know when you started your preparation, right? Uh, you were working at that particular time. So, how exactly did you manage that time? Because uh, with our full time jobs, it's actually really hard to put in like eight hours a day into uh, our studies. So, if you could just help me out and tell all of us, whoever is working out here. Yeah. So first of all, congratulations that you're working and you're still aspiring. I think uh, see when I got into it, honestly, I didn't feel I could do it, but uh, it turned out good for me. So it can turn out good for all of us who are working. So please, please sit. So uh, I feel it's about managing time and setting your priorities right. Uh, the work assignments which you're getting, you still have I think five six hours at the end of the day, or maybe you start waking up early. You squeeze in the time there because time has to come from those twenty four hours only. So you have to prioritize, maybe in your office break, if you have a lunch hour free, I used to do MCQs at that time. Weekends, of course, you need to sit and grill. And uh, towards the exam, exam, like fall sick to get a leave or something and figure it out. Can be done. On your daily schedule, that will break our consistency. So sir, how to maintain I used a word called discipline. So it means just sticking to it without applying your mind to it. Today, I have to do this, I have to do this. So, it's about prioritizing. Of course, there are unforeseen events which come and derail your preparation, but just bounce back as soon as possible. And if you follow this, it's not a very long journey. It's, it's on you how long you want to make it, right? So, all of us do it. See, thousands before you have cracked this exam, thousands after you will crack this exam. Everybody goes through it. You're not the only one. But the idea is that if they can do it, of course, sir, you can do it too. So, just be disciplined, just focus on your day to day things and things will get into line so sir what is the difference between them who crack this exam and who don't able to crack this exam what is the difference between them the mentality i think uh, it's about perspective when you are in the preparation you feel that this exam is the end of the world you feel that this defines me this is my sole identity but when you get on the other side you realize there are so many other things in the world also that are equally important your fa your family is important your fitness is important your relationships are important, so I feel you get a larger perspective to things when you don't get selected and you get selected. The exposure that you get, it's phenomenal. The kind of batchmates that I get to interact with come from all sorts of backgrounds, from IAMs, from IITs. Uh, the social network that you expand after getting selected. Today I'm here. I'm interacting with so many. I studied from Ranal sir, uh, here, like through the YouTube thingy. But uh, today I'm.

तीन महीने फाउंडेशन कोर्स मिला के तो छः महीने के बाद जो छः महीने की ट्रेनिंग है उसमें सिर्फ आई ऑफिसर्स वहाँ पर ट्रेन करते हैं जिसमें एक भारत दर्शन का कॉम्पोनेट होता है डेढ़ महीने का उसके बाद एक साल के लिए हम अपने जो भी कार्डर होता है उस कार्डर में जाते हैं उस कार्डर में हमारी जो स्टेट फेमिलराइजेशन की ट्रेनिंग होती है रेवेन्यू ट्रेनिंग होती है पुलिस के साथ अटैचमेंट्स होती हैं जुडिशरी के साथ होती है तहसीलदार के तो एक साल तक हम वहाँ पे रहते हैं फिर फेज़ टू होता है मसूरी में डेढ़ महीने का उसके बाद वी गो बैक हिंदी मीडियम का मुझे लगता है कि इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्स है तो uh, मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा इस चीज के बारे में मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो माफी चाहता हूँ तो मैम का क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज कौन से यूज करनी चाहिए और काफी एक्सपेंसिव हैं और in, in, तो वो सर ने एक फोटो डाली जो थी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली दैट आंसर चलिए थैंक यू सर थैंक्स सो लॉट सर आई वुड टू नाउ इन्वाइट ऑल आर एजुकेटर्स जिनके साथ आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते दे विल आंसर योर क्वेश्चन आई 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 नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड डाउट्स यू माइट हैव सो आई विल इनवाइट एमपुरी सर प्लीज़ विवेक सिंह सर हिमांशु सर ऋषि सर अरविंद सर मधुकर सर अतुल सर प्लीज़ थोड़ी तालियां वाले हो जाए तो क्लियर यू पैसि फिल्म तो ट्वेंटी टू जैसे देखिए कोर्ट आता है कि अ पर्सन हु आस्क अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर मिनट अ पर्सन हु डोंट आस्क अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर लाइफ तो अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये भी एक बहुत करेजियस एक्ट है इसका मतलब आप कुछ बोल रहे हैं कुछ सीख रहे हैं और देखिए अभी से आपकी प्रेपरेशन शुरू हो रही है इंटरव्यू के लिए भी क्योंकि जब तक आप अपनी ही आवाज़ से अगर आप डर रहे हैं तो आप वहाँ इंटरव्यू पैनल को कैसे फेस करेंगे तो इट्स रियली गुड एट यू आर आस्किंग क्वेश्चन ये आपने क्वेश्चन पूछा कि 2023 के लिए कैसे हम प्रिपेयर करें तो देखिए इट्स ऑल अबाउट प्रिविजन्स अब तक अब ये डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कब से शुरू करी है ऑल राइट right. तो मैं मानता हूं कि अभी तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए था और अगले दो तीन महीने के अंदर आपको मल्टीपल रिविजन्स लगाने चाहिए प्लस आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है कोई भी अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो फॉलो इट लगातार अपने साथ डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपनी हेल्थ के ऊपर वर्कआउट कीजिए जैसे अभी तक सभी स्पीकर्स ने बात करी कि अपनी हेल्थ अपने अपने किसी हॉबी को भी डेवलप रखिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है दिमागी संतुलन बहुत जरूरी है उसको मेंटेन करते हुए डिसिप्लिन के साथ चलिए और देखिए स्ट्रैटेजी वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस करते हैं सिंपल एक स्ट्रैटेजी है कि मुझे डेली आठ घंटे पढ़ना है एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर आज से भी आप डेली आठ घंटे डिसिप्लिन के साथ अपने से ऑनेस्ट रह के तैयारी करते हैं तो आपका प्रिलिम्स हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाएगा uh, sir, जैसा कि कि कहा जाता है 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 यूपीएससी की जो है, जो प्रिपरेशन या फिर स्टडी वो वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं मेरा क्वेश्चन ये है मेनली वो कनेक्टिविटी ऑफ कंसेप्ट कैसे इंश्योर करें लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में तो हम कैसे उसके पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल आस्पेक्ट्स को एग्जाम करें वो एनालिसिस क्या हमें उस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद ही उसी टाइम uh, करने की जरूरत है ताकि हम Uh, उस चीज को प्रॉपरली ग्रेस्प कर पाए तो वो चीज़ हम कैसे uh, अडॉप्ट कर सकते हैं मेरा ये सवाल है सर हिमांशु सर यू लाइक टू टेक दिस यस सबसे पहली बात तो देखो ये है कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसमें काफी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमें बहुत मल्टीपल uh, लेवल्स पे प्रिपरेशन करनी है ये करना है वो करना है लेकिन अगर आपने अपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप उस लेवल पे एनालिसिस कर पाओगे जस्ट आपको क्या करना है कि आपको अपनी ब्रेन स्टॉमिंग एबिलिटीज़ को थोड़ा सा डेवलप करना है और वो कैसे आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा और आपने जो अपने जी के जो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं ठीक है तो उसमें आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर इसका सोशल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है तो उसको जिस तरह से तुमने क्वेश्चन पूछा आ, उसमें एक फ़ियर है कि अगर मैंने इस ढंग से पढ़ाई नहीं की तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ठीक है उसको सिंप्लीफाई करो उसको आप एक फेयर नाम बनने दो ठीक है और बेसिकली यही करना है जो आप आंसर राइटिंग में करते हो जैसे हम आंसर राइटिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप दो मिनट ब्रेन करो देखो कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स हमारे आ सकते हैं और जब हम ब्रेन करते हैं तो हमेशा कहाँ पर करते हैं कुछ पॉइंट्स पे करते हैं सो सोशल एंगल क्या हो सकता है इकोनॉमिक एंगल क्या हो सकता है जोग्राफिकल हिस्टोरिकल एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है तो ये जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पेशेंस रखना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ आपको काम करते रहना पड़ता है वो अपने आप आ जाएगा जब हम कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कुछ नया मिलता है उसके बारे में जानकारी के लिए हम उसका बेसिक ढूंढते हैं जब बेसिक पे आते हैं तो बेसिक पे पता चलता है कि बेसिक का कुछ चीज़ें नहीं मालूम तो उसको पढ़ने के चक्कर में और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि पढ़ना पड़ता है तो इस तरीके से मतलब कि एक करेंट अफेयर्स एक न्यूज़ पर बहुत सारे टाइम उस पर चला जाता है जैसे कि सुदर्शन सर ने बोला कि अपने शेड्यूल को मैनेज करके रखना है तो एक न्यूज़पेपर में इतने सारे, एक करेंट अफेयर्स में इतने कुछ एग्जाम्पल तो दे दो पहले इलास्ट्रेट कर दो ना अपने क्वेश्चन को जैसे कि हम कोई, कोई न्यूज पेपर पढ़ते हैं अरे बच्चे, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिले होंगे ना तभी आपकी प्रॉब्लम है तो एक ही बोलने को कह रहा हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आप जानते हो स्पीकर नाम की एक पोजीशन होती है हाँ बिल्कुल अब उसके बेसिक्स क्या करने चाहिए आपको अब जैसे जब स्पीकर के, के बारे में स्पीकर के बारे में शुड बी फर्स्ट क्वेश्चन माइंड स्पीकर कहाँ का जैसे लोकसभा हाँ वो उसी का भी लोकसभा मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ स्पीकर अभी लोकसभा का स्पीकर तो लोकसभा में बहुत सारे ऐसे और बच्चे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि स्पीकर पूरी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो कभी नहीं कुछ बोलता है इज नॉट टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन इट रेगुलर वोटिंग राइट वो कास्टिंग वोट होता है सिर्फ उनका वो सिर्फ दब बोलते हैं जब उन्होंने डिसिप्लिन करना होता है लोगों को वो बोलते तो बिल्कुल नहीं है उनको फिर भी स्पीकर ही कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि ये उनको स्पीकर फिर क्यों कहते हैं

जैसे कि हम किसी टॉपिक जैसे स्पीकर पर है स्पीकर के बारे में और भी डिटेल्स अब जैसे स्पीकर लोकसभा का तो लोकसभा के बारे में पूरी डिटेलिंग करेंगे अब लोकसभा में बहुत सारे ऐसे टर्म हुआ तो उसको डिटेलिंग करने चले गए नहीं लोकसभा अब... में बहुत सारे स्पीकर तो एक ही हो स्पीकर स्पीकर लोकसभा के और मेंबर हो गए, लोकसभा का प्रोसीडिंग हो गया अब लोकसभा एक एक की, से की वो तो, वैसे भी आपको करनी तो अलग चीज है ना। वो तो अलायदा सवाल है ना। बस वही वही वहां से अगर लोकसभा पे गए तो लोकसभा के वो बिटे... बाकी चीजें चले प्रॉब्लम आपको न्यूजपेपर में तब आती है जब आप न्यूज पेपर प्रिपेयर न्यूजपेपर रीड करते हो विदाउट गोइंग थ्रू सब्सैियल पार्ट ऑफ द सिलेबस अगर आपने अपने सिलेबस का पार्ट क्योंकि बेसिकली यू नो इफ यू लुक एट द न्यूज़पेपर मैं न्यूज़पेपर को कई बार ये कहता हूं कि न्यूज़पेपर की रिलीवेंस कौन से पेपर के लिए इंडियन इकॉनमी के लिए तो है ये पेपर थ्री के लिए ठीक है लेकिन अगर आप जीएस पेपर टू देखो तो सबसे ज्यादा रेलिवेंट जीएस पेपर टू के लिए है ठीक है इनफैक्ट वट इज अ न्यूज पेपर न्यूज पेपर इज अ बुक पब्लिश ऑन जीएसर पेपर टू फ्रेश एडिशन एवरी डे ठीक है अब वो एक नई किताब पब्लिश हो रही है रोजमर्रा ऑन अ डेली बेसिस फॉर यू अनलेस यू हैव समिक ग्राउंडिंग इन द सब्जेक्ट यू आर यूर रीडिंग अबाउट इन दैट बुक तो वो टर्म्स टर्मिनोलॉजी वो जो थोड़ी सी वहां पे जागनाइज लैंग्वेज होगी तो उसमें समझने में थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी मैं इस समय एज्यूम कर रहा हूं कि अभी आपने आपकी प्रिपरेशन लेवल जो है या जो आपका एक्सटेंट ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा कम है एम राइट इन रिज्यूमिंग दैट यस तो तभी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे ठीक है थोड़ा जो बेसिक्स आपकी जो बुक्स हो जाएंगी या कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं किसी से भी पढ़ रहे हैं उनसे जो बेसिक नॉलेज आपका जो एक नॉलेज पूल है वो क्रिटिकल देखो इसमें एक चीज मैं तुम लोगों को सब बताना चाहता हूँ ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है और जैसा अभी बाकी स्पीकर्स भी बात कर रहे थे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं पढ़ते हैं और उसको रिवाइज नहीं करते और जो रिवीजन का जो साइकिल होना चाहिए Uh, मेरे हिसाब से अगर आप दिन भर में हंड्रेड एफर्ट्स लगाते हो तो उसमें से सिक्सटी एफर्ट्स आपके लगने चाहिए नई चीजों को पढ़ने में फोर्टी एफर्ट्स लगने चाहिए रिविजन में अगर आप इस रेशियो को फॉलो नहीं कर रहे हो यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेव मिस्टेक और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है न्यूज़पेपर का बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम ऑन द न्यूज़पेपर। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं एंड दे शो मी देयर नोट्स और वो इतने अच्छे बने हुए नोट्स होते हैं कि मैं उनको कहता हूं कि ये फ्री में काम क्यों कर रहा है यार मेरे पास आके कर ले मैं तेरे को सैलरी भी दूंगा ठीक है तो वॉट इज हैपनिंग जैसे अभी हमने बताया कि आर्टिकुलेट मैगजीन में देर इज अ टीम वर्किंग और वो टीम क्या कर रही है वो आपके लिए जो भी रेलिवेंट चीजें हैं उस मैगजीन में निकाल के डाल रही है ठीक है तो आपको क्या करना है कि उस मैगजीन में जो चीजें हैं उसको सही से रिवाइज कर लेना है मेमोराइज कर लेना है ताकि आप उसको रिकॉल कर पाओ अब क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए क्योंकि सब कुछ तो मैगजीन में आ रहा है तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेफिनेटली पढ़ना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए बिकॉज मैगजीन में क्या होता है कि जो कंटेंट होता है वो थीम वाइज होता है ठीक है जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम टाइम एंड स्पेस में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं उसमें हम हमें पता होता है कि वो किस तरह से हो रहे हैं वी आर अवेयर अबाउट दैट ठीक है वो मैगजीन पढ़ के नहीं पता चलेगा सो वट यू पीपल हैव टू डू इज यू हैव टू स्कैन थ्रू द न्यूज पेपर एवरी डे एंड दिसकैनिंग शुड नॉट टेक प्लेस मोर देन थर्टी फोर्टी मिनट्स इन अ डे एंड दिस इज द वे द न्यूज पेपर शुड बी एक्चुअली रेड ठीक है बाकी का जो कुछ टाइम बचता है क्या हमें न्यूज़पेपर में से नोट करना चाहिए डेफिनेटली कुछ चीज़ें हो सकती हैं जैसे कोटेशंस हो सकते हैं या फिर हमारे जो ऑप्शनल्स होते हैं उसमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स डालने पड़ते हैं केस स्टडीज डालनी पड़ती हैं वो मैगजीन नहीं कवर करेगी क्योंकि मैगजीन जो होती हैं वो जनरली लिखी जाती हैं तो अपने ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहाँ पर अगर कोई काम की चीज़ मिलती है कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं कुछ केस स्टडीज मिलती हैं तो दैट इज द थिंग दिच यू हैव टू जॉट डाउन और इस पूरी प्रक्रिया में दिन भर में अगर आप एक घंटे से ज्यादा लगा रहे हो दैट मींस यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन द टारगेट ऑफ रिविजन फॉर दैट डे एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू कैन बी रेस्ट ए श्योर्ड कि फाइनली सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो ये जो रेशियो जो मैंने बताया उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है ठीक है

एंड एथिक्स इज़ समथिंग विच नीड्स टाइम टू गेट इंटरनालाइज्ड तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए वो स्परिचुअल डायमेंशन है आप लीगल डायमेंशन फैक्ट्स इतने सारे आप याद करते हैं स्परिचुअल डायमेंशन में जाने के लिए इट टेक्स लॉड ऑफ टाइम फॉर यू तो उसको आपने टाइम दिया इट्स गुड और अब आप क्या करिए कि आपने डिविज़न वगैरह अपना कर लिया है आप तीन चार महीने अपने प्रलिम्स के ऊपर आप फोकस कीजिए एंड आफ्टर प्रिलिम्स देर इज़ अ राइटिंग सेशन अन अकेडमी के ऊपर भी हम लोग एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा और दो तीन पेपर्स भी मैं आप लोगों को दूंगा जो आप लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे पर्सनली आई विल चेक योर आंसर्स आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट अन अकेडमी कि हम लोग पर्सनली आप लोगों के लिए सेंटर्स पे अवेलेबल रहेंगे जो यूजुअली ज़्यादातर जगह पे नहीं होता है सो वी विल चेक योर आंसर्स और कोशिश करेंगे कि आपको वन टू वन हम लोग एडवाइस कर सकें आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके और देखिए आप सब अलग हैं ठीक है ये एक जनरल सेशन हो रहा है जिसमें हमको जेनरिक बातों की बारे में बात करेंगे बट हर बच्चे की अपनी एक अलग प्रॉब्लम होती है और उसके लिए ज़रूरी है कि एक पर्सनलाइज कंसिडरेशन हम उसको दें और यहाँ पे आई थिंक अन एकेडमी पर हमारा एक मेजर फोकस इस बात पे रहेगा भी राइट तो राइटिंग प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे मैं अपना नंबर भी बच्चों के साथ शेयर करता हूं आपके पास भी जरूर होगा अगर आपने मेरा कोर्स किया है तो यू कैन सेंड सम ऑफ योर आंसर्स ऑन व्हाट्सअप ऑल्सो आप मेल पर भी कुछ अपने आंसर्स मुझे भेजिए मैं चेक करके आपको भेजूंगा आपको ऑल राइट अच्छा कर चुके हो हाँ तो बस प्रिलिम्स के ऊपर फोकस करो देखिए प्रिलिम्स जब आप लोगों का क्लियर होगा ना तो एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगी आपके अंदर प्रिलिम्स अगर नहीं निकला तो फिर एक साल का फिर से वेटेज होगा ओके इट्स लाइक अ स्नेक एंड लैडर तो वापस जीरो पर आ जाएंगे। It's important that you clear your prelims. उसके बाद सौ दिन आपको मिलेंगे। क्लासेस हाँ, का बर्डन नहीं होना चाहिए उन डेज में। उससे पहले क्लासेस अपनी खत्म कर लीजिए एंड इन दोज हंड्रेड डेज ओनली प्रैक्टिस इज द थिंग डैट यू शुड फोकस ऑन ओके मुझे पूछना है ऋषि भार्गव सर से और मधुकर कोटावे सर से माइक सर सीसेट सी के बारे में जल्दी से कुछ टिप्स दे दीजिए और मधुकर सर से कि सर ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हमेशा सी सेट की जो कर उस पर बात होना जरूरी है धन्यवाद सर ऐसा लग रहा था कि सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे साथ कई <laughs> 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 स्टूडेंट्स ने सी सेट पर कोई चर्चा ही नहीं की मुझे ऐसा लग रहा है कि सी सेट इस बार भी बिल्कुल सर इजी है हो जाने वाला है कोई दिक्कत नहीं है आ, पूछने वाले थे बहुत अच्छी बात है तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बहुत समय कम बचा है और मुझे लगता है कि आप लोग भी काफी लंबे समय से बैठे हैं सीसेट में मैं दो तीन बातें बताकर सर के पास माइक दूंगा इस समय ज्यादा से ज्यादा आप अपने मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए और प्लीज किसी भी कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पर थ्योरी मत फॉर्म करिए ज्यादा बेस्ट होगा कि 2011 से 2022 ग्यारह साल आपके पास पेपर आ चुका है हर पेपर में तीस सवाल या पच्चीस सवाल औसतन सी कॉम्प्रीहेंशन के हैं ढाई सौ से तीन सौ सवाल आपके पास कॉम्प्रीहेंशन के हैं उस थ्योरी को समझने के लिए जो यूपीएससी आपसे पूछना चाहती है बस मैं उसका एक पॉइंट बता दे रहा हूँ जिसे आपने ध्यान देना चाहिए कभी कॉम्प्रीएंशन पे जब भी यूपीएससी सवाल पूछती है तो जरा ध्यान से पढ़िएगा उसमें लिखा होता है आपके प्रश्नों के उत्तर केवल गद्यांश पर आधारित होने चाहिए इससे बड़ी थ्योरी कुछ भी नहीं है आपको हो सकता है कि इकोनॉमिक्स का कॉम्प्रिहेंशन आ जाए ज्योग्राफी का आ जाए और आपका अपना ज्ञान बहुत कुछ उसमें बताता हो पर सबसे ज्यादा जरूरी है क्या वो कॉम्प्रिहेंशन में आपको बोल रहा था या नहीं अगर कॉम्प्रिहेंशन में वो पॉइंट एक्सप्लेन नहीं है भले ही वो विकल्प में सही क्यों ना हो लेकिन वो सही नहीं माना जाएगा तो पहला कॉम्प्रिहेंशन इस पॉइंट के बेसिस पर और बहुत से प्रैक्टिस करिए किसी टेस्ट सीरीज में इतनी ताकत नहीं जो आपको कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी के लेवल का दे सके ज्यादा बेटर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो रीजनिंग और मैथ्स 50 क्वेश्चन है आप अगर पूरा मैथ जैसे कई बच्चे रोते रहते सर मैं दसवीं में ही मैथ्स में फेल था मैं बहुत गरीब था मतलब चलते रहता है तो कहने का अभिप्राय यह है कि भाई पूरा मैथ्स नहीं कर सकते ना मत करो पांच टॉपिक तो सेलेक्ट कर लो परसेंटेज हुआ नंबर सिस्टम हुआ आपका एवरेज हुआ रेशियो प्रोपोर्शन हुआ यूपीएससी बीस सवाल पूछे कि मैं दस तो कर लूंगा रीजनिंग बहुत ईजी है और बहुत से वीडियोज आपको मिल जाएंगे रीजनिंग में थोड़ी सी भी प्रैक्टिस एक बार थ्योरी ढंग से आ गई तो उत्तर आ जाते हैं पर यदि आप इसे इस समय भी नहीं पढ़ पाए डेली दो घंटे यहां से आपको सीसेट को देना चाहिए अगर किसी दिन पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो दो घंटे यूपीएससी का पेपर लगाओ जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको देखो कि कहा गलतियां हो रही है पचास क्वेश्चन का टारगेट दिमाग में रखेंगे सत्ताईस दिमाग में ले जाने वाले या चालीस दिमाग में ले जाने वाले फिर अगले साल हम मुलाकात पुनः करेंगे तो सभी को बेस्ट ऑफ लग हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं पीछे वाले विद्यार्थी में डाउट बात में लोग से बात करते गुड आफ्टरनून एवरी वन मुरनाल सर का स्लाइड शो दिख चल रहा था हिस्ट्री दस बारह इंटरनेशनल रिलेशन चार हमारा सी का पेपर है जिसमें अस्सी क्वेश्चन है और मान के चलो कि उसमें से तुम्हें तीस तो ठीक करना है नहीं सर तीस तो ठीक करना है विच इज थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट राइट देर आर अ लॉड ऑफ मिथ्स यू नो बींग एन आई आई टी यू कैन क्रैक इट प्लीज चेक आउट लास्ट ईयर पेपर अ लॉट ऑफ आई केम बैक एंड दे टोल्ड अस सर वी कुड नॉट क्लियर दिस वॉज आर फाइनल अटेम्प्ट I don't understand why there is no seriousness about it. Again, you know, there are parallel careers you are thinking. You are thinking of, you know, after UPSC. What if not UPSC? If you prepare well for CSAT, SSC you can easily clear. Bank PO you can easily clear. And believe me, top results of SSC are those UPSC candidates. Those who have great hold on CSAT. Avisa sab crash course kara do. फिफ्टी आवर्स में क्योंकि मेरे हिसाब से तो आई सिंसियरली फील सी सेटेंट एज फार एज यूर यू नो अदर कैरियर ऑप्शन सेकेंड थर्ड गोल्सेंट इट ये नहीं तो ये ये नहीं तो ये सी सेट हेल्प करेगा राइट एनीथिंग एल्स प्लीज आई होपाय मुझे लगा कि आप लोगों को समझ आ गया होगा वट आई एम अपू एंड आज मुझे यह लगता है कि सबको इन्फ्लेशन तो पता चल गया होगा सर आई है क्वेश्चन रिगार्डिंग दिज पेपर रीडिंग Uh, like uh, when I read newspaper, uh, for me it seems like I am just translating the newspaper in English to Hindi. Uh, I am talking of the Hindu. Okay. So when I read for half an hour, it seems like I am just translating the content into Hindi. And when I get to write the content in my language, it seems like I am running sort of words for writing that. So, okay. sir, uh, what is the main issue here so that I can uh, uh, sort it out and ultimately I can uh, find a way so that I can improve it? for my answer writing also so when you are reading the newspaper have you understood all the concepts of economy see ye newspaper reading newspaper reading ka kuch zyada jo hua bana hua na what i feel is pehle to jab aap upsc ki preparation if you are starting history polity economy geography jo char subjects hai na इसको पहले अच्छे से पढ़ के समझ लो उसके बाद newspaper को उठाओ पहले दिन आया UPSC preparation करने और newspaper ले ली कैसे समझ में आएगा पर आना भी नहीं चाहिए तो पहले जो बेसिक सिलेबस है हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है एक बार वो क्लियर हो गया देन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज पेपर और अगर आप इकॉनमी की बात करो तो जो हिंदू का न्यूज़ पेपर है ना हिंदू और एक्सप्रेस वो यूपीएससी के लिए नहीं लिखा जाता है दे आर पब्लिशिंग देयर न्यूज पेपर ठीक है ऑफकोर्स उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूपीएससी के लिए रेलिवेंट भी होती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भी रेलिवेंट होती है यू विल हैव टू नो कि उसमें मेरे लिए क्या रेलिवेंट है इकोनॉमी के एस्पेक्ट से क्या रेलिवेंट है उसमें हर आर्टिकल जो हिंदू में आ रहा है एक्सप्रेस में आ रहा है चाहे बजट है या सर्वे है हर चीज आपके लिए रेलिवेंट नहीं है और आप हर चीज पढ़ के नहीं समझ सकते डेफिनेटली हाँ से. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए दस साल का क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पे होना चाहिए यू शुड कीप लुकिंग इन टू दैट की क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप मैं इकॉनॉमी पढ़ाता हूं आई हैव रिटर्न बुक ऑल्सो क्वेश्चन बैंक भी है टेलीग्राम चैनल है एवरी डे आई एम डूइंग एनालिसिस तो आपको क्या लगता है कि मुझे इकोनॉमी का सब कुछ पता है ऐसा नहीं होता है भाई हम लोग भी एक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी ठीक है UPSC, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के आर्टिकल तो आप पढ़ोगे कभी कभी आता है इकॉनॉमी का आर्टिकल आता है टू मच फ्लडेड विथ डेटा कोई जरूरत नहीं पढ़ने की और अगर आप सिलेबस ढंग से पढ़े हो यूपीएससी का समझे हो देन उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आप पढ़ो और आपको समझ में आएगा नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आर्टिकल ना समझ में आए तो कि ठीक है क्योंकि पिछले दस साल के हिस्ट्री में मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि, कि किसी को इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और जो इकोनॉमी का न्यूज जो रेलिवेंट है वो नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब है कि आप सब्जेक्ट ही नहीं समझे हो ओके सर ठीक है और एक बार आप समझ लिए सब्जेक्ट तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू है और ये सब्जेक्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है सर शुड वी गो विथ एडिटोरियल बाई वेरी देखो channels. ये ये समरी उमरी से अब यू पी एस सी नहीं निकलेगा ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि सर इकॉनमी का टेलीग्राम का तीन साल का समरी दे दीजिए ये बोर्ड ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आप समरी पढ़े हो गया कोई शॉर्टकट दे दीजिए सर कोई कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए अरे जो चीज इंपॉर्टेंट है जो चीज चल रहा है यूपीएससी इज डिलिबरेटली इग्नोरिंग दैट क्या करोगे आप तो वो जमाना गया कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ समरी कुछ करके हम सेलेक्ट हो जाएंगे यूपीएससी इज डिलिबरेटली टारगेट दैट कि आप इकोनॉमी हिस्ट्री पॉलिटिक्स साइंस इन सब चीज़ों में कितना रियल इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो जो लोग सोच रहे थे ना कि एक साल की मैगजीन यहाँ मैगजीन वहां मैगजीन करेंट अफेयर्स पढ़ के सेलेक्ट हो जाए वो बाहर हो चुके हैं उनका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो चुका है इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड और प्रॉपरली उसको पढ़ रहे हो और कोई इसका समरी शॉर्टकट शॉर्टकट तो है ही नहीं पूरा उसमें डूबना पड़ेगा तभी बन पाओगे अदरवाइज ऐसे आपको बहुत लोग ज्ञान देंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा होता कुछ नहीं है चार साल बर्बाद करोगे और फिर चले जाओगे ठीक है तो स्टिक टू योर सिलेबस और ऑफ कोर्स बहुत सारे सोर्सेज हैं बहुत सारे सोर्सेज हैं हर सब्जेक्ट के सोर्सेज हैं ठीक है तो आप देखो कि आपके लिए क्या रेलिवेंट है अब आप यहां ही देख रहे होगे कि इकॉनमी के दो टीचर हैं ठीक है मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा लेकिन अब और भी अच्छे टीचर है अब बोले सर इतना मैं क्या करूं भाई हर जगह कॉम्पिटिशन है स्टूडेंट्स में कॉम्पटीशन है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉम्पिटिशन है टीचर्स में आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, है आप एक चीज़ उठाओ पढ़ना शुरू करो कोशिश करो कि भाई नहीं समझ आए दोबारा पढ़ें जब नहीं समझ में आ रहा तो यू ट्राई टू चेंज इट बी विलिंग टू दैट जब टॉपर्स ये कहते हैं कि कई जगह से नहीं पढ़ो उसका मतलब ये, ये नहीं कहते हैं कि आप एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है तब भी उसी में लगे रहो लगे रहो लगे आप कोशिश करो मान लो जो भी आप कंटेंट के बारे में सुने हो टीचर्स का आप पढ़ो एक बार पढ़ो दो बार नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार चेंज करके देखो लेकिन अगर ये चार सब्जेक्ट आप समझ गए हो तो समझ गए हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आंसर लिखने में कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे आंसर लिखने में इकोनॉमी का दिक्कत होता है हम बोले मैं मान ही नहीं सकता हूं जब वो जो भी आंसर जो भी क्वेश्चन है अगर वो दिमाग में आपके क्लैरिटी है इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है अगर आप इस चीज को समझे हुए हो कि रियल में समझ में आई क्यों नहीं हो रहा है दिमाग में है तो इंग्लिश वर्ड लिखने में तो किसी को प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए तो आप आपके दिमाग में फ्रेम ही नहीं है कि उस सब्जेक्ट एनालिसिस कैसे अगर रहेगी दिमाग में तो हैंड राइटिंग तो कोई भी लिख देगा तो ब्लेम किसी और पर डाले सोचो कि क्या डाउट है मेरे में और हर बंदा अलग है तो आपको आप देखो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करें अभी सर आए थे बोले कि वो जॉब के साथ प्रिपेयर की बहुत अच्छी बात है इट्स वेरी चैलेंजिंग कि जॉब के साथ प्रिपेयर करना क्योंकि टफ हो गया है बट अगर मैं आपको बताऊं मैं जॉब के साथ नहीं प्रिपेयर करता मतलब मेरा आपको अपना समझना होगा देखो कुछ लोग होते हैं कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं और वो एक ही साथ कई सारी चीज कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है इन फ्रंट ऑफ ऑल दिस पब्लिक आई एक्सेप्ट कि मेरे साथ नहीं हो पाता मैं नहीं कर पाता हूं आई एम आई आई टी एन टू थाउजेंड फोर पास आउट विथ वन जीरो टू एट रैंक ठीक है आई आई टी सेलेक्टेड बट आई एक्सेप्ट कि मेरे साथ दो चीजें एक साथ में नहीं कर पाता हूं अब मैं टॉपर को सुन रहा हूं बोला नहीं नहीं मैनेज हो सकता है अरे उनसे मैनेज हो सकता है उनका दिमाग दूसरे तरीके से बना हुआ मेरा दिमाग दूसरे तरीके से बना हुआ ठीक है मुझे जो मैं एक चीज लाइफ में कर सकता हूं बेस्ट कर सकता हूं सबसे बट मेरे से दो चीज नहीं होती नहीं होती तो ठीक है अपने आप को समझो और अकॉर्डिंगली यू स्ट्रेटेजाइज तो, तो इस तो पूरे पब्लिक से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यूपीएससी टारगेट करने से पहले अपने आप को समझो ठीक है अपने सोचो कि आप का क्या लेवल है कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं एक साल में बन गए अरे दिल्ली के बेस्ट स्कूल से पढ़े हैं सब कुछ आता है बैकग्राउंड है मम्मी पापा जो भी है एक साल तैयारी की हो गए हम गांव के स्कूल से आते हैं बोरा पे बैठ के पढ़ना शुरू की कहां से हो जाएगा हमको चार साल लगाना पड़ेगा तो रिक्वेस्ट यही है आप सभी लोगों से कि भेड़ चाल में न चलें ठीक है अपने आप को समझो एक दिन एक लड़का है मुझसे पूछा कि सर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है हो नहीं पा रहा है तो हम बोले बॉक्सिंग में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते लिटरली मैंने बोला तो बोला सर नहीं बॉक्सिंग नहीं हो पाएगा हम बोले तुमको पता है कि तुमसे बॉक्सिंग नहीं हो पाएगी बोलता हाँ हम बोले तुमको पता है कि तुमसे यूपीएससी हो सकता है नहीं हो सकता है तो सोचने लगा हम बोले यार सोचो ठीक है कि क्या लाइफ में कर सकते हो नहीं कर सकते सब प्रिपेयर कर रहे हैं हम भी प्रिपेयर कर रहे ठीक है तो ऑफकोर्स मेहनत करने से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लेकिन अपने आप को थोड़ा टाइम दो कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरा क्या लेवल है मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ये सारी चीज सोच करके स्टेप बाय स्टेप करोगे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा एक चीज में नहीं मिलेगा दूसरी चीज में मिलेगा आई होप कि आई हैव क्लियर योर डाउट यस सर डेफिनेटली थैंक यू सर एंड वन वन मोर मोर क्वेश्चन सर व्हाट आर द क्वालिटीज दैट वी शुड इनकल्केट इन आवर सेल्फ फ्रॉम डे वन वेर वी आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन और सो डेट वी माइट इंस्योर और सियोर्स सेलेक्शन अच्छा आई नो इट्स डिफिकल्ट टू से अच्छा यहाँ पे जो लोग सर ने बोला कि जोश है अनु सर ने बोला ने बोला जोश अच्छी बात है जोश तो होना चाहिए अगर यहाँ पे आप मोटिवेशन खोजने आए हो तो बहुत गलत जगह है टीचर्स से कुछ पूछने आया बहुत अच्छी बात है आपने बोला ना कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक ही क्वालिटी होनी चाहिए अंदर फायर होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए केवल अंदर फायर होगा सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है बस अंदर वो आग होनी चाहिए और वही हर जिंदगी में सक्सेस दिलाती है वो आग होगी तो आपकी लेस कैपेबिलिटी के साथ भी आप कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हो नहीं आग है तो सब लोग मिलके सब लोग पढ़ाएंगे बैठ के आपको तब भी सिलेक्शन नहीं होगा तो आग होनी चाहिए और आग या तो होती है या नहीं होती है ठीक है वो बाहर से लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हाँ कभी कदा लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं उससे भी आता है तो बात तो वो आग होनी चाहिए और कोई क्वालिटी कोई मैटर नहीं करता बेसिकली सर आई ए रीजन टू आस्क दिस क्वेश्चन हाँ तो देखो ये जो जॉब के साथ करते हैं ठीक है जैसे जॉब के साथ करते हैं जो जॉब छोड़ के आते हैं उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा ठीक है कि यार हमारे पीयर्स कहाँ जा रहे हैं तो ये तो देखो चैलेंज है जिसने भी जॉब छोड़ के आई है प्रिपेयर कर रहे हो ना उसको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा अगर आप वो चैलेंज फेस करते हो तो देन इट्स फाइन क्योंकि वो हमेशा आपको हॉन्ट करता रहेगा जैसे मैं हूँ मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा कि जब मैं इंजीनियरिंग कर लिया था जॉब कर रहा था तो आई थॉट कि यार कैट करते हैं एम करते हैं तो जब मैं ऑफिस में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहा था तो मुझे अपने प्रिपरेशन की टेंशन होती थी कि यार मेरा छूट रहा है मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए कैट के लिए जब मैं कैट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तैयारी कर रहा हूँ शाम को तो मुझे लग रहा है कि जॉब कैसे होगा ये रहेगा ठीक है आई एक्सेप्टेड कि मुझसे ये दोनों चीज नहीं हो सकती आई लेफ्ट माई जॉब प्रिपेयर एंड देन आई डिड एम बी आप उस चीज को देखो कि आपसे क्या हो सकता सब right, so much, है सब लोग डिफरेंट बने ऑल राइट सर थैंक यू सो मच सर ठीक यही है so as you know, some of my mates, you know us closely, and uh, like all of my friends are trying to purchase the test series from different institutes. so i think i wasn't clear with my question before. And my apologies for that. It just i want to ask that it's just a myth to have all those test series with us or not, because i don't think having way too much study material helps us. i think that's distracting, and it's been doing a very good part for like last few months. And right now, that I'm being settled on a uh, good uh, study material that I have limited and, of course, nice. The thing is, some of my mates that you know well, they are sort of luring me into having all those things with me. I don't think that's important. Am I correct? What's your name? So, you know my name, Darshika. <laughs> <laughs> all right, Darshika. Uh, listen, uh, you know, a lot of my friends, uh, you know, shop every day. Why? I don't. Got it. See, it's their wish. See, I sincerely believe in very focused approach toward any preparation. Right? So if I believe in one aspect, I'll go towards that aspect disciplined way, and I won't look here and there. So I think you yourself have answered that question that they are doing it. I know this is not good. Shall I do it then also? Since you know it is not good because you know availability of resources is ample. And everyone, you know, whosoever is preparing for UPSC, UPSC aspirants have near about 30 40 kgs of material right so i don't know whether it is useful or not so find out what is useful for you find out a test series which really clicks to you and then go for it do not look here and there i sincerely believe in that kind of approach right, right thank, you. Thank, thank you thank you so much thank you namaskar sir question sir mera question madhukar kutre sir you sir ka sir content provide Uh, सर मैं वाराणसी से आया हूँ स्पेशली सर के लिए थोड़ा सा डाउट था और मान लीजिए कि थोड़ा सर को मिलना भी था हमें uh, सर जैसे कि मान लीजिए कि हम क्लास कर लिए सब्जेक्ट कोई भी कोई विषय हो उसका क्लास कर लिए उसके बाद नोट्स भी प्रॉपरली बना लिए उसके बाद अब सर रिवीजन से मतलब रिवीजन से रिलेटेड मेरा डाउट है कि जैसे कि क्लास करने के बाद जब नोट्स बना ले रहे हैं तो सुनते हैं हम लोग कि टापर बोलते हैं कि मैंने 20 बार लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया इंस्पेक्टरों को तो मैंने दिन भर लेकर बैठा ही रहता था जब कोई भी कोई बोलता है तो सर इससे हम लोग को बड़ा डिमोटिवेशन होता है कि कहीं हम लोग तो पीछे नहीं रह जा रहे हैं ना वो लोग तो बीस बार लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं हम तो सिर्फ क्लास करके रिविजन कर रहे हैं नोट्स का तो सर इसी से रिलेटेड मेरा डाउट है थोड़ा सा इस पर क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ आपका थोड़ा बताइए इसके बारे में डिटेल में धन्यवाद सर आपका जो मैं डाउट समझ पा रहा हूँ वो ये है कि कोई मित्र मुझसे ये कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीछे तो नहीं हो रहा हूँ और मित्र आगे तो नहीं निकल रहा है मैं कहूँगा कि ये तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है और एक नॉर्मल मानव स्वभाव है लेकिन इसका सबसे बेस्ट पॉइंट ये होगा कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है मतलब मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं जैसे बचपन में जब घर पे कोई रिश्तेदार आता है ना तो माता पिता अपने बच्चे को प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और कहते हैं कि हमारे बच्चे से पूछ लो जो चाहे वो बता देगा अब की पीढ़ी तो अंग्रेजी गाने बोलती हमारे टाइम में वो टेबल बड़े पूछे जाते थे और कोई बच्चा अगर दस बारह का टेबल बोल दे तो कह देते थे कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है हमने अपने घर वालों को मना के मना दिया था कि मुझे सौ तक के टेबल याद है मुझे पता था कि उनकी मानसिकता में केवल निन्यानवे का टेबल ही होगा वो पूछेंगे कि निन्यानवे का टेबल पढ़ के बताओ मैंने निन्यानवे इतना खतरनाक रट के रखा था कि पहले ही सेकंड से शुरू हो के तीसरे सेकंड में निन्यानवे का टेबल ख़त्म हो जाता था सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से खत्म अब वो कभी हिम्मत नहीं करता था कि मुझसे कभी पूछ सके कि आप कैसे पढ़ते हो बल्कि मुझसे वो कहता था कि आप हमारे बच्चे को भी साथ में लेकर पढ़ा करो कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा जवाब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे गरीब लोगों को वही खत्म कर देना चाहिए जहां उन्होंने शुरू किया था इसलिए तुम अपने कॉन्फिडेंस को रखो अपने आप पर भरोसा रखो कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ बेटर कर रहा हूँ मुझसे अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मैं बेस्ट करूँगा बाकी अगर हर व्यक्ति की राय लेते चलोगे हर व्यक्ति से पूछते चलोगे तो तुम्हें हर एक घंटे में अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेगी इसका एक ही परिणाम होगा कि चार साल के बाद आप यही कहोगे कि यूपीएससी में चयनित होने वाले मंगल ग्रह के इलॉन मस्क के प्लान में आते होंगे इसलिए आप ज़्यादा बेटर करिए कि अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखें और जब भी प्रतिदिन कॉन्फिडेंस डाउन होता हो जैसे सुबह पहली सुबह आज जैसे हुई और मैंने अपने आप को आईने में देखा तो कहा कि क्या स्मार्ट लग रहा हो अगर खुद को स्मार्ट नहीं लगूंगा तो दुनिया क्या खाक स्मार्ट कहेगी तो पहले मुझे अपने ऊपर भरोसा करना होगा मुझे अपने आप पर यकीन करना होगा और अगर मेरा यकीन अपने आप पर है तो दुनिया कुछ भी सोचे मैं वो करके रहूंगा धन्यवाद जी सबसे पहली बात की धन्यवाद सब कुछ हमसे किया है सबसे बड़ी बात इस समय मैं कहूँगा कि एक ही रणनीति है जितना समेट सकते हो समेट लो अब यहाँ से नई चीज नई पहल नई किताब या नया चैप्टर शुरू करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि बड़े मुश्किल से आप गिने चुने दिनों में बचे हैं सौ एक सौ दस दिन बचे हैं अगर आपके पास जितनी कॉपियां हैं उसको दो से तीन बार रिवाइज करने का भी टाइम नहीं है मैं कहूंगा कि केवल एक रणनीति अपनाओ जितना समेटने की ताकत है जितनी औकात है तुम लोगों की समेटने की समेट लो वही तुम्हारा रिजल्ट है बाकी 28 मई के बाद 29 मई को वही जीवन पुनः प्रारंभ करने के लिए कई लोग तैयार होंगे तो इस समय केवल बेटा जितना पढ़ा था ना सबको रिवाइज करना शुरू करो एटलीस्ट दो से तीन बार रिवीजन आपको बेस्ट परिणाम देकर जाएगा और कहीं कोई दुख देखो ऐसा कभी नहीं होता है जैसे लोग सोचते कि हमने कंसेप्ट और फैक्ट जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट में कंसेप्ट और फैक्ट को कैसे अलग अलग कहोगे आप कहोगे कि आर्टिकल बावन क्या ये फैक्ट है नहीं वही कंसेप्ट से ही शुरू होगा तो रियलिटी में आपका भ्रम है कि फैक्ट और कंसेप्ट आप अलग अलग कैसे करेंगे सब एक साथ ही चलता है अगर आपने टॉपिक को इंटीग्रेटेड करके पढ़ा होगा तो कंप्लीट नॉलेज आएगा अगर आप ल्यूसेंट लेकर बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि फैक्ट अलग है कंसेप्ट अलग है आप बेटर तरीके से सिलेबस के साथ अपनी चीजों को कवर करते आगे बढ़िए तो दोनों चीजें कवर होती जाएगी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ़ ऑल टेल मी वेन इज योर अटेम्प्ट अगर 2024 का है तो फिर अभी तो मेरी कोई लाइव क्लासेस नहीं चल रही है जून से लाइव क्लासेस होंगी एक अप्रोच आपका जो हो सकता है वो ये है कि अभी मैं जो ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं उनको आप देख लीजिए और मैं अपनी क्लासेस में हमेशा ही कहता हूँ देखिए ऑप्शनल का आप लोग जो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में जो समय होता है वो काफ़ी कम होता है हार्डली सौ दिन होते हैं और उन सौ दिनों में सब कुछ अच्छे से पढ़ना और उनको रिवाइज करना और उसके बाद में उसको पेपर पे उतारना एग्जैक्टली exactly. तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स लगेंगे ही हैंडी सी एक लॉन्ग नोट्स होना सही बात है लेकिन एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए और मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स सिर्फ पी के लिए नहीं इवन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके पास में होने चाहिए लोग बोलते हैं नोट्स कैसे बनाएं नोट्स कैसे बनाएं नोट्स कैसे बनाएं सिंपल फार्मूला है नोट्स उन चीज़ों को बनाया जाता है जो चीज़ें आप भूलने वाले हों आपको पी एस आर में पता है कि मल्टीपल थिंकर्स हैं मल्टीपल थिंकर्स के मल्टीपल कंसेप्ट हैं मल्टीपल कंसेप्ट के अंदर में वापस से सब कंसेप्ट हैं अगर उनका एक ब्रीफ समरी ना हो तो फिर वो आपको समझ ही नहीं आएगा जैसे हम अगर प्लेटो का एग्जाम्पल लें तो प्लेटो है प्लेटो की थियोरी ऑफ़ एजुकेशन क्या है उसकी थियोरी ऑफ जस्टिस क्या है उनके अंदर में आने वाले लोग कौन हैं उसके अंदर में जो पांच लोग आते हैं थियोरी ऑफ जस्टिस में सिफैलस पॉलीमर्कर्स थ्रेसिमेकस अब इनके नाम ही हम भूल जाते हैं तो जो कंसेप्ट आप भूलने वाले हो उनके शॉर्ट नोट साइड बाय साइड बनाते चलो ये अगेन एक कॉमन मिस्टेक लर्नर्स करते हैं कि आपकी जो भी क्लास हो रही है उस क्लास के बाद में हम लोग वापस से उसको पढ़ते नहीं है जैसे अगर आपने लक्ष्मीकांत में से कोई टॉपिक पढ़ा है या मेरे पी में अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो मैंने आपको क्लास में सिखा दिया उसके बाद में इमीजिएटली आपका पहला टास्क होना चाहिए कि उसको आप वहाँ से पढ़े और दूसरी बात है उसमें से शॉर्ट नोट्स निकाल लें आपका दो घंटे अगर क्लास अटेंड करने में जाएगा तो दो घंटे इवन वापस से बैकग्राउंड वर्क करने में जाएगा इतना समय तो आपको लगाना पड़ेगा सो so, रिकॉर्डेड करो शॉर्ट नोट्स उनकी रेडी करो और जहाँ तक नोट्स रेफर करने की बारी आती है आप सारे कंबाइन करके उनको लॉन्ग नोट्स जो हैं उनको से पढ़ो उनको वापस से बनाने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली सी द थिंग इज अगर आपके पास में बहुत सारा टाइम है तो फिर तो ये सब करना सही है बट हमारे पास में ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है हमको पाँच साल का सिलेबस एक साल के अंदर में कवर करना है और उसके लिए यू डोंट हैव टाइम कि आप लॉन्ग नोट्स बनाओ मतलब देर आर फ्यू पीपल हु ऑल्सो हैंड राइट देअर नोट्स लेकिन वो हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा आपके काम में नहीं आने वाले ऑलरेडी पीपल लाइक मी पीपल लाइक मैम दे हैव ऑलरेडी मेड देयर नोट्स जस्ट यूज देम और लेट मी टेल यू मैंने तो 296 मार्क्स स्कोर किए हैं पी एस में तो इतने मार्क्स जो है वो आप एकदम आसानी से लेकर के आ सकते हो लेकिन उसमें आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट में पंद्रह बार एक ही साथ में सात दिन में पढ़ने की हेल्प करके देगा इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ थैंक यू थैंक यू गुड आफ्टरनून सर मेरा क्वेश्चन हिमांशु सर से सर हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग ज्योग्राफी फ्रॉम बेसिक्स यू आर आस्किंग अबाउट स्टडिंग ज्योग्राफी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ जी एस और ऑप्शनल जीएस जीएस के लिए yeah. आ, देखो जीएस दो एप्रोचेस हो सकती हैं एक तो आप क्लासेस ज्वाइन करते हो और दूसरा आप क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हो सो so, जोग्रफ़ी के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि जोग्राफी का सिलेबस बहुत डिफाइंड नहीं है काफ़ी बिखरा हुआ सा है और कोई एक ऐसा सोर्स नहीं है जहां पर सब कुछ अवेलेबल है एक साथ तो ऐसा जोग्रफ़ी में हमारे लिए ज़्यादा बेटर क्या होगा कि एक बेस बनाएं और मेरे हिसाब से आप एन पढ़ो इलेवंथ और ट्वेल्थ की एन पढ़ो बिकॉज क्या होता है कि जो उससे पहले की एन हैं उसमें वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं हमारा पर्पस ये है कि हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें ठीक है ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है बट हमें ये करना पड़ेगा सो so अगर हम इलेवंथ और ट्वेल्थ की एन पढ़ते हैं तो जो नाइन्थ और टेंथ की एन में है वो कवर हो जाता है इसके अलावा एक जो बेसिक एन आपको पढ़नी है वो है सिक्स सेवन्थ और एट्थ की एन ओल्ड वन जो पुरानी एन हैं और उसमें से भी तुम्हें क्या पढ़ना है वर्ल्ड रीजनल जोग्रफी पढ़ना है उसमें देखोगे तो सेगमेंट्स दिए हुए हैं यूरोप हो गया और नॉर्थ अमेरिका हो गया तो इस तरह से उन्होंने रीजनल सेगमेंट्स देखते हैं तो वही वाले चैप्टर सिक्स सेवन्थ एट्थ की एन से पढ़ने हैं इसके अलावा एलेवेंथ और ट्वेल्थ की एन दैट शुड form योर बेस ऑफ प्रिपरेशन ठीक है अब इसके बाहर अब आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ प्रीवियस ईयर के देखो कि क्या क्या पूछा जा रहा है ठीक है और देखोगे कि काफ़ी सारी ऐसी चीजें होंगी जो एनसीईआरटी कवर नहीं करती है तो अब मेरे पास चॉइस बचती है कि या तो मैं किसी हायर लेवल बुक पे जाऊँ या फिर किसी क्लास नोट्स पे चला जाऊँ ठीक है तो अगर आप क्लास कर रहे हो तो क्लास में वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी नहीं कर रहे हो देन ऑल्सो द बेटर थिंग इज कि जो फेमस नोट्स हैं उनको उठाओ और उनको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो ठीक है दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन प्रिपेयर अल्टीमेटली जोग्राफी में थोड़ा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना पड़ता है आपको प्री और मेन्स का कोई वैसा डिफाइंड नहीं है तो आप कोई चैप्टर पढ़ते हो सपोज आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा तो उसमें देखो कि आप प्रिलिम्स बेस्ड कौन से क्वेश्चन आएँ मेन्स पर कौन से क्वेश्चन आएँ उनको सॉल्व करने की कोशिश करो तो यही तरीका एन सी आर टी की, की ज्योग्राफी काफी है, तो क्या वो है? 12 बस. यार देखो अगर तुम एनसीआर को देखोगे तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में चार एनसीआरटी है टोटल जो चारों के चारों हमारे सिलेबस का पार्ट है एक फिजिकल जोग्राफी का एनसीआर टी है वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा इंडिया का फिजिकल जोग्रफी है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर तुम देखोगे तो ह्यूमन इकोनॉमिक जोग्राफी वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है अगर मेंस का पेपर उठा के देखोगे तो दस में से लगभग छः क्वेश्चन सात क्वेश्चन वो ह्यूमन इकोनॉमिक जोग्रफी से पूछे जाते हैं बट अगर तुम यही चीज़ अगर इफ़ यू सी इन प्रिलिम्स यही जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है ठीक है तो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इलेवेंथ के भी और ट्वेल्थ के भी ठीक है सो केवल ट्वेल्थ से नहीं होगा गुड आफ्टरनून सर सर आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ वी हैव टू कम्प्लीट आर सिलेबस ऑन टाइम सर आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ वॉट इज द स्ट्रैटी टू कंप्लीट दी आई एल आंसर योर क्वेश्चन देर वॉज वन गर्ल हियर आस्किंग अबाउट पॉल साइंस एंड शी आस्क सर दैट

जो अब बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे नोट्स रख लेंगे उससे अपना वो नोट्स बनाना चाहते हैं ठीक है और उनके सोर्सेज मल्टीप्लाई होते जाते हैं और इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यू आर अनएबल टू मैनेज योर टाइम यू आर अनएबल टू मैनेज एंड कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम ठीक है बच्चे क्या कर रहे हैं कि दे आर बिगनिंग टू मेक देयर नोट्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज सपोज कि उन्होंने मेरा नोट्स पढ़ा एंड अब वो क्या करेंगे कि उसी से वो नोट्स बनाने लगेंगे मेरे पास लेकर के आते हैं कि सर देखो कैसे नोट्स हैं और यू विल नॉट बिलीव कि वो नोट्स क्या होते हैं फोन साइज छोटा हो गया है लिखा सब कुछ है ठीक है तो ये नहीं करना है नोट्स बनाने की एक स्टेज है और नोट्स बनाने की स्टेज क्या होती है जब आपने पढ़ लिया आपको अच्छे से समझ में आ गया यू आर कॉन्फिडेंट ऑन मेनी ऑफ द थिंग्स विच यूल नॉट फॉरगेट देर आर थिंग्स विच यू आर फॉरगेटिंग तो वो जो चीजें आप भूल रहे हो वो आप अपने नोट्स में लिख लेते हो ठीक है तो जो टाइम मैनेजमेंट करना है वो इस तरह से होगा कि आपको वन टॉपिक वन सोर्स ये जो मंत्र है ना इसको फॉलो करना है जो भी अगर सपोज करो कि मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ और उसमें मुझे लगता है कि दो टीचर बहुत अच्छे हैं ठीक है तो उसमें से जो तुम्हें लगता है कि ज़्यादा बेटर है वो पढ़ो और इसमें तुम टॉपिक वाइज भी जा सकते हो हो सकता है कि, कि किसी टीचर ने जियो मार्फोलॉजी बहुत अच्छे से कराया हो ठीक है बट उसने इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसने अच्छे से नहीं कराया होगा तो मैं जियो मार्फोलॉजी के लिए उस टीचर को फॉलो कर सकता हूँ इकोनॉमिक के लिए किसी दूसरे टीचर को फॉलो कर सकता हूं ठीक है बट टाइम पे कंप्लीट करने का एक ही मंत्र है एंड दैट इज वन टॉपिक वन सोर्स ठीक है तो अगर ऐसा करोगे तो आई थिंक कि यू विल बी एबल टू मैनेज टाइम एंड विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम ओके थैंक यू सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर हिस क्वेश्चन इज दैट शुड ही सी द पी वाई क्यूज बिफोर स्टडिंग द बेसिक्स और आफ्टर आई रियली थिंक कि साथ साथ में चलते रहना चाहिए बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा ठीक है सपोज मैंने एन सी आर टी जोग्राफी में मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एनसीआर टी उठाई तो उसमें देखोगे एक जियो मार्फोलॉजी का सेगमेंट है पूरा ठीक है तो मैंने एक जियो मार्फोलॉजी वाला सेगमेंट खत्म कर लिया उसमें स्टार्टिंग में तीन चार चैप्टर्स हैं वो खत्म कर लिया फिर मैंने स्कैन किया कि कौन से क्वेश्चन आए हैं जियो मार्फोलॉजी से ठीक है तो इस तरह से अगर साथ साथ करके चलते रहोगे तो दैट इज सर आई थिंक वी वॉन्ट बी टेकिंग एनी हम लोग पे ठीक है? अभी ऑलमोस्ट क्वेरी सॉल्व कर दी है सर लोगों ने मिलकर बट uh, जिसलिए सेमिनार किया गया अन अकेडमी का ऑफलाइन सेंटर लॉन्च हो रहा है तो क्या फीचर होने वाले या फिर कैसे क्लासेस uh, वगैरह रन होने वाले ऑफलाइन में इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए क्योंकि मैक्सिम स्टूडेंट ये भी जानना चाह रहे होंगे तो ऑफलाइन में ये है कि इंटेंट काफी अच्छा है और इंटेंट यही है कि आपको एक सॉलिड लाइनअप का प्रोवाइड हमें करना है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन और, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पूरा 800 हंड्रेड आर्स में आपका सिलेबस कवरेज है वन वन ऑन मेंटरशिप है इवन आफ्टर द क्लास यू थिंक देर आर सम सम टू बी यू हैव डाउट्स राइट आफ्टर द क्लास यू कैन विजिट द मैंटर्स इन आर सिम दो डाउट अनलिमिटेड एक्सेस टू बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तो आप लाइव क्लासेस को ऑफलाइन क्लासरूम क्लासेस को अटेंड करते हो उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है अनलिमिटेड एक्सेस और ऑनलाइन में जितने भी एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी के उनका भी एक्सेस मिल जाता है राइट तो दिस दिस इज क्वाइट अमेजिंग दिस इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फोर्टी प्लस सेक्शनल प्रिलिम्स एंड ऑल्सो डेडिकेटेड कोर्सेज फॉर सीसे थ्री सिक्सटी कवरेज ऑफ डिग्री कवरेज ऑफ करेंट अफेयर सो दीज आर समू एस पीस एंड आई थिंक कल से हमारा पूरा एक मृणाल सर के साथ में पहला सेशन है बजट एनालिसिस उसके बाद ओरिएंटेशन सेशन है हिमांशु शर्मा सर आपके लिए जोग्रफी का ओरिएशन सेशन लेंगे विवेक सिंह सर आपके लिए इंडियन इकोनॉमी का ओरिएंटेशन सेशन लेंगे आतिश सर करंट अफेयर्स का ओरिएंटेशन सेशन ले रहे हैं तो उसके साथ साथ अतुल सर का ओरिएंटेशन सेशन है एथिक्स के बारे में तो वी आर टेकिंग ओरिएंटेशन क्लासेस डेली स्केड्यूल आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं यू कैन विजिट द दिन ऑफलाइन सेंटर इट्स अमेजिंग एज इट इज ओनली हंड्रेड मीटर्स अवे फ्रॉम द ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग मेट्रो स्टेशन आई थिंक यस तो दीज आर सम ऑफ द पी वी वुड बी उसका आंसर पेयर वन है या पेयर टू सही है या पेयर थ्री सही है जी. तो सर उसमें जैसे हम सोल्व कर रहे थे तो उसमें हर क्वेश्चन में पता चल रहा था कि दो पेयर हमें समझ में आ रहे थे कि सही है जी पर हम सर जो नहीं है उसका हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो गलत लिखे हुए थे और सबका आंसर बी था सर लगभग छह क्वेश्चन का पर सर हम एक भी नहीं करके आए अभी वो दोबारा आठ या दस क्वेश्चन दोबारा आ जाएंगे सर तो अब एक दो मार्क्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है प्रीलिम्स में और वो टेन क्वेश्चन से आठ क्वेश्चन थे तो सर हम क्या करें और वो बहुत ही फैक्चुअल थे सी ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस को आप इनके बारे में चिंता मत करो इन छः क्वेश्चन के बारे में चिंता मत करो क्योंकि एज मृणाल्ड सर सेड कि इनके लिए आपको अपना बेसिक नॉलेज एज वेल एज पेरीफेरियल नॉलेज जो आपने यहाँ वहां से कहीं से पढ़ा होगा चाहे वो न्यूज़पेपर होगा चाहे और कहीं से होगा कुछ आप लॉजिक से निकालने की कोशिश कर पाओगे अब ऐसे क्वेश्चंस छः आए हैं लेकिन आप उन क्वेश्चंस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हो अब पूरे 2022 के पेपर में यही तो छः से आठ क्वेश्चन नहीं थे ना बाकी भी तो क्वेश्चन थे क्या आपने वो सारे सही किए क्या आठों के आठों हमने वो छोड़ दिए नहीं तो वही बोल रहा हूँ ना उसके लिए दो चीजें लगेंगी आपको जी सर। या फिर मैं ऐसा बता सकता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को हमेशा अगर आपको प्रीलिम्स का जीएस का पेपर ठीक से करना है आपको चार चीजें चाहिए एक आपकी बेसिक रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए दूसरा आपके पी क्यूज ऊपर से नीचे छाने हुए होने चाहिए तीसरा आपका करंट अफेयर्स पर होल्ड होना चाहिए और चौथा आपने थोड़े मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करने चाहिए अगर आप ये सब चारों चीजें अच्छे से करोगे तो इनके लिए ही आपके लिए हेल्प होगा और बेसिकली इसका कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि इसका सोल्यूशन आपके पास में ही आपको ही वो पेरिफेरल नॉलेज जो है वो डेवलप करना पड़ेगा तो यहां पर कोई एजुकेटर नहीं बता सकता कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे था, वो एक नए को की भी था। करेक्ट एलिमिनेशन वगैरह तो, में दिक्कत आ रही होगी मतलब पहली तक क्वेश्चन पहुंचे तो वो देखो मैं बताता दिक्कत इसको तुम्हारी जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा तुम्हें पहले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर कोई भी क्वेश्चन होते हैं उसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं एक जिसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ठीक है दूसरा जिसको हम कह सकते हैं ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं और तीसरे जो होते हैं एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं ठीक है एक्सेप्शनल क्वेश्चन वो होते हैं जिनको हम टच नहीं करते हैं ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो हमने डायरेक्टली जो पढ़ रखा है सीधा सीधा आ गया और वो सही हो जाएगा ठीक है और जो ट्रिकी होते हैं वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगता है और फिर उसके बाद अगर आपने अच्छे से वो जो डायरेक्ट वाला पार्ट बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है तो ट्रिक, ट्रिकी में से भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और उससे आपका सिलेक्शन होता है ठीक है तो अब वो जो नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी तुम उसमें क्वालिफाई कर सकते हो कि कुछ डायरेक्ट वाले थे जो पक्के सही हो जाएंगे ठीक है कुछ समस्या ये थी कि जैसे दो हमें पता चल गई कि यह सही है जैसे राजाओं के नाम लिखे उनकी के तो वही सही है पर दो जो गलत लिखे थे वो हमको कैसे पता होगा कि क्योंकि गलत वो यार देखो हैं? वो तुम्हारी बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन और मेच्योरिटी जो होती है उससे पता चलता है जैसे जैसे प्रिपरेशन में मेच्योर होते जाओगे ठीक है वो अपने आप पता चलता जाएगा और समझ लो कि ऑलमोस्ट फोर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको एक इंटेलिजेंट गेस लेना ही पड़ता है और ये उन क्वेश्चन जो इस बार का पैटर्न आया है उससे पहले भी ट्रू था ठीक है तो वो वो इंटेलिजेंट गेस हम कैसे लेते हैं हमारी पढ़ाई बेटर होती है और टाइम के साथ जो मच्योरिटी आती है उसके बेसिस पर लेते हैं ठीक है सर इतना टाइम हो चुका है क्योंकि सर मेरा क्वेश्चन विवेक सर से है मैं काफी देर से कोशिश कर रही हूँ बट प्लीज सर मुझे पूछना था ये पर्सनली मेरा क्वेश्चन है सर uh, जो लोग उन जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता और उनके पास बहुत ज्यादा अटैम्प्ट भी नहीं होते हैं तो सर दोनों okay. सर जिन्होंने बहुत लेट प्रिपरेशन करने का सोचा है हाँ। या फिर कुछ रीजन से नहीं स्टार्ट कर पाया पहले हाँ। तो सर जैसे म, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टार्ट करते हो तो आपको आइडिया नहीं होता आप बिल्कुल रॉ होते हो सर okay. so, मैंने जब वीडियोस देखना स्टार्ट किया दो तीन महीने से मेरा वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑप्शनल को चूज कर पाऊं मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहां पे बोला गया था कि अगर आपको अपने एनसीआर के साथ आपने अपना ऑप्शनल खत्म नहीं किया तो आप बहुत लेट हो जाओगे अपनी प्रिपरेशन में एंड okay. क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है ओके तो सर मैं बस वही पूछना चाहती थी कि वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है वो उनके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो वो फॉलो करें Uh, अपनी प्रिपरेशन को लेके सर कोचिंग लेना जरूरी है क्या अच्छा ठीक है तो जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है जी देखो जिनको राइट right गाइडेंस नहीं मिलता है उनका उनको ज्यादा टाइम लगता है सेलेक्ट होने में राइट तो जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि यू ऑलरेडी डोंट हैव मच टाइम तो मेक श्योर दैट आपको बेस्ट सोर्स ही मिले जैसे कई लोग स्टार्ट करते हैं एक बुक से ठीक है जी। बाद में पता चला कि वो बुक उतनी सही नहीं थी एक दूसरा भी सोर्स है फिर एक तीसरा भी सोर्स है right. तो व्हेन यू एक्सेप्ट दैट कि आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है देन डू अ लॉट ऑफ रिसर्च और ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि फर्स्ट हैंड पे ही यू गेट द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द जी एस पेपर एंड द ऑप्शनल तो एक तो यहीं पर आप अपना प्रिपरेशन का जो टाइम है वो कम कर सकते हो कि आपको बेस्ट सोर्स मिल जाए देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटेजी कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो एज पर इफ यू लास्क आई विल से बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जोग्राफी एंड ऑप्शनल ये जल्द से जल्द फिनिश होना आपने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि फायर इज इंपॉर्टेंट अगर हाँ, वो नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते बट ये ये एग्जाम में बारह लाख लोग दे रहे हैं बारह सौ का सिलेक्शन हो रहा है ठीक है आधे आधे नंबर के लिए यहां पर लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं हाँ, तो बिना हाँ, फायर के तो हो तो, ही नहीं सकता है सर वो मैं समझ गई हाँ, मैं मैं इसीलिए वो क्वेश्चन कर रही थी कि फायर तो ऑब्वियसली होना चाहिए बट सर जिसके पास अब जैसे सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मैंने तीन महीने पहले से ही अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने काफी कुछ कलेक्ट कर पाया है अभी तक ओके बट सर वो स्ट्रेटेजी जो मेन होता है बिकॉज आप यूट्यूब पे जाओगे ना सर देर आर सो मैनी रिसोर्सेज एंड वीडियोज बोथ तो सर क्या पिक करना चाहिए आपने बेस्ट सोर्स बोला तो कोचिंग के बिना क्या नहीं हो सकता मुझे लेनी चाहिए कोचिंग के बिना भी यूपीएससी में आप ऑफ कोर्स आप सेलेक्ट हो सकते हो कोई right. दिक्कत नहीं है अब कई लोग हैं कि बिना कोचिंग की सेलेक्ट हुए हैं ठीक है कई right. लोग कोचिंग करके भी नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं राइट दैट्स ट्रू लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोचिंग करते हो ना जी तो यू सेव टाइम अगर oh. आपको सही कोचिंग Sir, मिल, मुझे पूछना हाँ, तो अगर आप देखो जैसे इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं बिकॉज़ सर मैं जब यहां आई हूं ना दो से तीन लोगों ने मुझे बोल दिया कोचिंग इज वेरी नेसेसरी नहीं नहीं, नहीं देखो ऐसा नहीं है लेट मी टेल यू जैसे मान लो आप एक सब्जेक्ट इकोनॉमी पिक करते हो ठीक है जी। अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो उसको गूगल से समझने की कोशिश करोगे एक बुक पढ़ोगे दो बुक पढ़ोगे आपको समझ में नहीं क्योंकि सिलेबस ही बहुत कॉन्क्रीट नहीं है ठीक है आप क्वेश्चन देखोगे लगेगा कि यार ये भी पढ़ लेना चाहिए ये भी पढ़ लेना चाहिए यार ये तो कम आता है ये ज्यादा आता है जी। तो अगर कोई गाइड करने वाला है ठीक है अगर कोई गाइड करने वाला है तो ऑफकोर्स आपका टाइम बचता है ठीक है आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप जो चीज आप खुद से पढ़ के दस घंटा में समझोगे I am confident क्यों, मैं आप तो में, 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 में समझा right. तो condition तो लेकिन वो है क्योंकि आपका बर्बाद बहुत होने वाला okay. को लेके सर को लेके मैंने आई थिंक टेन ट्वेंटी फिफ्टी वीडियोस देख लिए हैं को लेके कि मुझे optional कैसे चूज करना है सर मुझे क्या करना चाहिए एंड मैंने मुझे ये भी पता है कि आप क्या बताएंगे कि ऑप्शनल कैसे चूज करें बट सर मैं बस ये जानना चाहती हूं कि ऑप्शनल को लेके कोई एक ऐसा कॉन्क्रीट चीज आप मुझे बोल दीजिए कि ये करने से तुम इसमें आगे पढ़ सकती हो मैं इंटरेस्ट की और ये सब नहीं, आपको ऑप्शनल चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है आपने सेलेक्ट कर लिया उसको सर, मैंने मैंने सर चूज नहीं किया बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है तो चूज करने का क्वेश्चन है जी तो देखो चूज करने का तो ये क्रेक्ट देखो ऑप्शनल में ना आपको काफी डीप जाना पड़ता है ठीक है काफी डीप में आके क्योंकि एक लेवल अगर आप उस डीप लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मार्क्स फिर इंक्रीज नहीं होते हैं। तो आपको डीप डीप में में समझना पड़ेगा अब में समझने के लिए यू शुड हैव सम लेवल ऑफ इंटरेस्ट विद दैट सब्जेक्ट जैसे मुझे हिस्ट्री से डर लगता है मुझे हिस्ट्री से डर लगता है तो डर लगता तो है एक्सेप्ट करें डर लगता है इकोनॉमी से मुझे प्यार है ठीक है तो मुझे इकोनॉमी जल्दी समझ में आ जाती है मेरा इंटरेस्ट है राइट तो आप पहले देखो कि आपका थोड़ा इंक्लीनेशन हर बंदे का एक अलग इंक्लीनेशन होता है मेरा पढ़ाने का इंक्लिनेशन है किसी का डांस करने का इंक्लिनेशन okay. तो वैसे ही कई सब्जेक्ट्स हैं पहले देखो कि किसमें पढ़ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मजा आता है जल्दी आप रिलेट कर पाते हो दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड आप देखो कि किसके बेस्ट सोर्स अवेलेबल है या किससे सिलेक्शन थोड़े सही से हो रहे हैं जैसे पबैट थोड़ा सब लोग एक्सेप्ट करें थोड़ा कम हो गए हैं सिलेक्शन ठीक है आगे। तो, आगे। तो आगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं कि कम होते हैं यूपीएससी चेंज करता रहता है मे बी उनका क्या क्राइटेरिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट सेकेंड प्रायोरिटी इज कैसा सिलेक्शन हो रहा है क्या हो रहा है क्योंकि नोट्स तो आज के डेट में हर ऑप्शनल के आपको अच्छे नोट्स मिल जा रहे हैं इतना मार्केट में कॉम्पिटिशन है दे आर लॉट ऑफ नोट्स बट द फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर इंटरेस्ट शुड बी देयर और ऑफ कोर्स अगर आपको कम टाइम में करना है यूसी की जिसका सिलेबस थोड़ा सा कम हो ओके okay. जैसे पीएसआई आ रहा है काफी बड़ा सिलेबस है एज आई नो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू वी विल मीट यू मतलब आप लोग यहाँ आ सकते हैं इट्स अ ऐप और ये आप देख सकते हो मतलब अनअकैडमी के पूरी जो ऑफलाइन बैचस का इंफॉर्मेशन है यू कैन सी दिस आई थिंक देयर आर ओनली लिमिटेड सीट्स एंड द ऑफर इज एंडिंग टुमारो कल ये ऑफर एंड हो रहा है यू कैन सब्सक्राइब टू एन अकेडमी विद जीरो परसेंट ई एम आई थैंक यू